शॉप में आपके पास डिजाइनिंग टूल है, तो आपके पास टूल सारे के सारे जो डिजाइनिंग में यूज होते हैं वो सब मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे कोई भी सॉफ्टवेयर आप लोगे, ये उसका इंटरफेस होगा, मतलब जो आप ओपन करते हो कोई भी सॉफ्टवेयर, तो उसकी जो पहली स्क्रीन आती है वो उसका इंटरफेस होता है। यहाँ पे क्या होता है कि फर्स्ट ये जो टैब है ये मेन्यू बार होता है। मेन्यू बार हर एक सॉफ्टवेयर में, आपको ज्यादातर सॉफ्टवेयर में मेन्यू बार मिलता है। तो मेन्यू बार मतलब होता है कि जितनी भी चीजें आपके सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल होंगी वो आप मेन्यू बार से ला सकते हो, मेन्यू बार में मिलता है सब कुछ। ठीक है, इसके बाद ये टूल बार होता है। टूल बार जितना भी टूल्स आपको यूज होंगे डिजाइनिंग के टाइम पे वो आपको सारे के सारे टूल बार में मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका आएगा ये ऑप्शन बार। ठीक है, ऑप्शन बार, ऑप्शन बार, प्रॉपर्टी बार या कंट्रोल पैनल, हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं इसको। ऑप्शन बार में क्या होता है कि आपके जितने भी टूल्स हैं टूल्स को इनहेंस करने के लिए ये ऑप्शन बार का हम लोग यूज करते हैं। इसके बाद ये डॉकिंग पैलेट होते हैं। डॉकिंग पैलेट ऐसा कुछ बहुत ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। डॉकिंग पैलेट में क्या होता है कि यहाँ पे जैसे बहुत सारे बटन रखे हुए हैं। ठीक है, ये बटन हम लोग अपने अकॉर्डिंग रखते हैं कि जो हम लोग को यूज हो रहा है ऑब्जेक्ट, जैसे ब्रश है तो ब्रश की सेटिंग यहाँ पे है। ठीक है, तो जो भी ऑब्जेक्ट आपका यूज होगा वो यहाँ पे डॉकर बन जाएगा उसका, या अपने अकॉर्डिंग आप डॉकर बना सकते हो। ठीक है, तो जितनी भी चीजें यूज होगी बस उसको ओपन करते हैं हम लोग, बाद में इसको क्लोज कर दो वो खत्म हो गया उसका। तो डॉकर मतलब यही होता है, फ्लोटिंग पैलेट, जब यूज होगा तभी हम लोग उसको लेके आएंगे। ठीक है, अभी काम करने के लिए हम लोग को एक कैनवस चाहिए होगा। कैनवस मतलब पेज चाहिए होगा। पेज को फोटोशॉप में हम लोग कैनवस बोलते हैं, बट ये फोटोशॉप में हर एक सॉफ्टवेयर में अलग अलग बोलते हैं, पेज का नाम अलग अलग होता है, तो फोटोशॉप में कैनवस नाम होता है इसका। सबसे पहले फाइल, फाइल पे क्लिक करके न्यू पे क्लिक करना है। आप नोट पैड, पेंट, कुछ भी खोलोगे, बेसिक जो टूल्स आते हैं सब में यही होता है कि फाइल के अंदर जाके न्यू पे क्लिक करना है। तो यूनिवर्सल यही है, कंट्रोल प्लस एन शॉर्टकट होता है इसका। तो कंट्रोल एन अगर आप कीबोर्ड से दबाते हो तब भी ये हो जाएगा। तो आप इस पर क्लिक करते हो, यहाँ पे आपका न्यू डॉक्यूमेंट की सेटिंग आ जाएगी। ठीक है, अभी इसके बाद नेम आ रहा है। ठीक है, नेम में आपका जो भी काम है, जो भी आपका मतलब काम जिस चीज के कर रहे हो उसका नाम डाल सकते हो। देन प्रीसेट, प्रीसेट मतलब होता है प्री डिफाइंड साइजेस। तो प्री डिफाइंड साइजेस में यहाँ पे जैसे क्लिपबोर्ड लिखा हुआ है फिलहाल, आप इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे साइजेस है। ठीक है, आपको हर एक सॉफ्टवेयर में साइजेस मिलते हैं कि आपको किस साइज पे काम करना है। ठीक है, साइज में आपके पास जैसे हम लोग काम जब करेंगे ना तो दो चीजों के लिए काम करते हैं, एक तो प्रिंट करने के लिए करते हैं और एक पब्लिश करने के लिए करते हैं डिजिटल स्क्रीन पे, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के साइजेस अलग होते हैं और डिजिटल प्रिंटिंग के लिए अलग होते हैं। अब यहाँ पे जैसे प्रीसेट आ रहा है, ठीक है, प्रीसेट में यहाँ पे देखना लाइन है बीच में, मतलब इसको सेक्शन वाइज डिवाइड किया गया है इन सब चीजों। ठीक है, ये जो फर्स्ट आता है ये आपका रहता है फोटोशॉप डिफॉल्ट साइज। ठीक है, इसमें कोई ऐसे आप प्रिंटिंग के लिए नहीं मिलेगा आपको, ये डिफॉल्ट साइज है, इस पर आप काम कर सकते हो, रफ वर्क कर सकते हो, आप प्रैक्टिस कर सकते हो कुछ भी। अभी आपके पास ये वाली सेक्शन आता है, ये सेक्शन पर्टिकुलरली प्रिंटिंग के लिए होता है। ठीक है, और फिर ये सेक्शन आता है, ये सेक्शन होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के लिए। जब आप मूवीज के लिए काम करोगे फोटोशॉप पे, या फिर आप वेबसाइट्स के लिए काम करोगे तब ये वाला सेक्शन होगा। ओके, तो यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पे एक डिफॉल्ट फोटोशॉप साइज है, इसको क्लिक करोगे यहाँ पे आपका 7x5 इंचेस का एक शेप मिल जाएगा जिस पर आप काम कर सकते हो। यहाँ पे क्लिप बोर्ड भी है। ठीक है, क्लिप बोर्ड मेरे में विजिबल आ रहा है लेकिन हो सकता है आप लोग के में विजिबल ना हो। शुरुआत क्लिप बोर्ड में क्या होता है कि जब जैसे आपने कोई पेज बनाया, ठीक है, आपने कोई कोई भी पेज बनाया, A4 बनाया सपोज, अगली बार आपका यहाँ पे A4 आ सकता है। ठीक है, आएगा, तो आपका क्लिप बोर्ड अगर कोई डिफाइंड साइज नहीं है फोटोशॉप के लिए तो क्लिप बोर्ड आ जाता है, मतलब उसको समझ में नहीं आया कि कौन सा साइज लास्ट टाइम लिया था तो यहाँ पे क्लिप बोर्ड दे देंगे। ठीक है, तो फिलहाल ये ऑफ रहेगा। अभी ये वाला सेक्शन आता है, ये सेक्शन प्रिंटिंग के लिए होता है। ठीक है, अब प्रिंटिंग में सबसे पहले यूएस पेपर आ रहा है। यूएस पेपर मतलब कि जो भी पेजेस यूएस में यूज होते होंगे प्रिंटिंग के टाइम पे वो यहाँ पे दिखा रहा है, और जरूरी नहीं है कि बाहर ही यूज होता है, इंडिया में भी हम लोग यूज करते हैं ये सब पेजेस। लेटर नहीं करते हैं, लेटर मतलब ऑफिशियल यूज जब यूएस पेपर यूएस में होता है, जैसे हमारे ऑफिशियल के लिए A4 होता है, वहां पे लेटर साइज होता है ऑफिशियल वर्क करने के लिए। तो यहाँ पे आप लेटर पे क्लिक करोगे, ये आपका 8.5x11 इंच का शीट आ जाएगी। हमारा A4 8.2x11.6 होता है। ठीक है, तो लेटर, देन आता है लीगल। लीगल में आपके पास कोर्ट्स में लॉयर्स यूज करते हैं, आप एफिडेविट बनवाने जाओ ना कभी तो ऐसे लंबे लंबे फाइल लेके बैठे होंगे, तो 8.5x14 इंचेस की वो शीट होती है। ठीक है, 540 इंच। देन आता है टेबलॉइड। टेबलॉइड छोटे साइज का न्यूज़पेपर आता है, लाइक जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज होता है या फिर संडे को जनरली आते हैं इंग्लिश न्यूज़पेपर में, दैनिक जागरण, अमर उजाला में भी आते हैं, वीकेंड में छोटे साइज के न्यूज़पेपर होते हैं,
वो 11x17 इंचेस होता है। आजकल न्यूज़पेपर डिजिटल क्रिएट होते हैं, तो इनडिज़ाइन वगैरह में क्रिएट होते हैं वो सब, तो वहाँ पे टेबलॉइड साइज लेके क्रिएट करते हैं, उसके बाद प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूएस पेपर साइज। देन इसके बाद आता है इंटरनेशनल पेपर। अभी इंटरनेशनल पेपर में क्लिक करोगे, ये कैटेगरी है, ये इसकी सब कैटेगरी है साइजेस। यहाँ पे ए से जी, बी, सी और डी एल, ये अलग अलग साइजेस होंगे। आपको जिसकी भी रिक्वायरमेंट है आप उस पर क्लिक करके ले सकते हो। सपोज आप ए फोर पे क्लिक करते हो। अच्छा देखना, ए फोर जो है विड्थ और हाइट आपका मिलीमीटर्स में दिखा रहा है, ठीक है। तो ये आपको उसी यूनिट में रखना है जिसमें क्लाइंट के थ्रू आपको यूनिट मिली है। अब उसमें लिखा हुआ है कि ऊपर से 5 मिलीमीटर छोड़ के आपको काम करना है, तो आप मिलीमीटर को इंचेस में कन्वर्ट नहीं करोगे। आप यहाँ से उसको मिलीमीटर कर दो, या फिर इंचेस में है तो इंचेस कर दो, वो जो भी आपको यूनिट मिली हुई है उसी में काम आप करोगे। देन आएगा आपके पास A6, A3, अलग अलग साइजेस होंगे, यहाँ से आप जो भी रिक्वायरमेंट है इस शीट में बनाना है वो बना सकते हो। A3 जनरली, ये A3 जो होता है ना वो 11x16 पॉइंट समथिंग है। हम लोग इसको 12x18 लेते हैं, ठीक है। जो प्रिंटिंग का पेज आता है A3 का वो 12x18 का होता है, तो यहाँ पे 12x18 लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंटरनेशनल पेपर होता है। देन फोटो साइज आएगा, जो घर पे एल्बम्स हम लोग यूज करते हैं, 4x6 का जनरली एल्बम रहता है घर पे। शादी के जब एल्बम्स निकलते हैं वो 5x7, 8x10 ऐसे आते हैं, तो इसमें से आप कोई भी एल्बम यूज कर सकते हो। 2x3 छोटे छोटे पहले आते थे, छोटे साइज के एल्बम, तब ये 2x3 रहता था। आपको मेरे पास कोई एक एग्जाम्पल पड़ा होगा, साइज लेंगे इसका, तो ये हम लोग यहाँ पे, मैं बताऊंगा बाद में आपको, फोटो दिखाऊंगा। भाई पुराने टाइम में ना 2x3 की बहुत फोटो हो जाती थी, छोटी छोटी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो, तो वो यहाँ पे 2x3 में आप क्रिएट कर सकते हो। तो इस तरह से आप जो भी साइज चाहते हो वो आप यहाँ पे क्रिएट करोगे। तो ये होता है आपका वेब का, मतलब प्रिंटिंग का साइज जिसमें आप प्रिंट कर सकते हो। इसके बाद ये वेब के साइज रहेंगे इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के लिए। मेन डिफरेंस इलेक्ट्रॉनिक मीडियम प्रिंटिंग में ये होता है कि प्रिंटिंग के साइज मेजरेबल यूनिट में होते हैं, इंचेस, मिलीमीटर, सेंटीमीटर। यहाँ पे पिक्सल्स होते हैं, पिक्सल को आप मेजर नहीं कर सकते हो। पिक्सल जैसा भी है, जैसे टीवी होता है आपका 32 इंच का HD, 20 इंच का HD, या फिर ज़्यादा बड़ा 46 इंच का HD, आपका फ़ोन की स्क्रीन भी HD आती है। तो जितना भी साइज होगा उसका, उसके अंदर के जो पिक्सल्स होंगे 1920x1080 होंगे, अगर आप HD में काम कर रहे हो तो वो सारे के सारे पिक्सल्स में रीड होते हैं। अब ये वेबसाइट्स के साइजेस हैं, 1280x1024, 1600x1200, इस तरह से आप यहाँ पे साइजेस। हाँ बिल्कुल, क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, पिक्सल जितने ज़्यादा होंगे क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होगी। तो ये था वेब। देन मोबाइल डिवाइसेस, यहाँ पे कुछ मोबाइल्स आते हैं जिनमें आप काम कर सकते हो, या फिर आपके पास फिल्म एंड वीडियो भी है। फिल्म एंड वीडियो, ये जो हम लोग सीरियल्स देखते हैं टीवी पे या फिर मूवीज देखते हैं, इनके साइजेस होते हैं। NTSC, PAL, जनरली इनका काम ना वीडियो वाले सॉफ्टवेयर में होता है। NTSC मतलब होता है नेशनल टेलीविजन सिस्टम कमेटी, फेज अल्टरनेशन बाई लाइन, PAL होता है। और ये ब्रॉडकास्टिंग यूनिट्स होते हैं, मतलब जब आप टीवी पे सीरियल देखोगे ना वो इस वाले फॉर्मेट में मिलेगा, ठीक है। हम लोग इंडिया के हैं, इंडिया में आपका PAL चल रहा है, और यूरोप में NTSC ज़्यादा है, तो NTSC PAL जिस कंट्री में भी है उसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। आजकल HD ज़्यादा आ रहा है टीवी पे, HD TV आते हैं, तो HD में यहाँ पे HD TV 720, HD TV 1080, जो 1080 है ना ये आपका फुल HD होता है, 1920x1080, और इसके बाद ये हाफ HD है 720, ये 1280 में 720 होता है, ठीक है। देन इसके बाद आएगा फिल्म 2K, फिल्म 4K, ये और भी बड़ा साइज होता है जिसमें मूवीज आजकल बनती हैं। ये 2K होता है, ये 4K होता है, 4000 पिक्सल का होता है, तो बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। हॉलीवुड की मूवी अगर आप देखने जाओगे ना थिएटर में, उसकी क्वालिटी अलग से दिखती है, ये बढ़िया क्वालिटी है, वो जनरली 4K में बनाते हैं, ठीक है। हम लोग के यहाँ पे भी काफ़ी सारी पिक्चरें 2K में बनती हैं, तो ये 2K साइज होता है, ओके। तो ये साइजेस होते हैं आपके जिस पे आप काम कर सकते हो। और बाई चांस अगर आपको कोई ऐसा अलग सा साइज मिला जो इस कैटेगरी में नहीं है, हम लोग को मैनुअली भी कई बार बनाना होता है, तो हम लोग यहाँ पे कस्टम लेते हैं। और आपको जल्दी कस्टम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको जैसे सपोज इंचेस में आपको चाहिए 20x10 इंच का, विड्थ चाहिए 20 और हाइट चाहिए 10, तो आप यहाँ पे 20x10 डाल दोगे ना, कोई भी कस्टम साइज अपने आप डालोगे, तो यहाँ पे अपने आप ही कस्टम लिख के आ जाएगा, क्योंकि हमने अपने आप कस्टमाइज किया है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिलहाल इंटरनेशनल पेपर A4 लेता हूँ, और यहाँ पे आपका आता है, इंचेस करते हैं इसको, रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन मतलब होता है कि क्वालिटी
क्वालिटी आपकी इमेज की कितनी होगी, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप रेजोल्यूशन रखते हो उतनी ज़्यादा क्वालिटी आपकी इमेज की होती है, ठीक है। अभी 300 रखा है, पिक्सल पर इंच में काउंट होता है, मतलब आप अगर 1 इंच देखोगे तो उसके विड्थ में और हाइट में दोनों में 300 300 पिक्सल्स होंगे। तो जितने ज़्यादा पिक्सल्स उतनी क्वालिटी अच्छी। और A4 में 8.2 इंचेस आपके विड्थ में, तो हर एक इंच में 300 बाई 300 पिक्सल्स होंगे, तो बहुत अच्छी क्वालिटी है बहुत। तो प्रिंटिंग के टाइम पे हम लोग जनरली 300 यूज़ करते हैं, ठीक है। 300 से ऊपर आप प्रिंट नहीं कर सकते, तो मैक्सिमम क्वालिटी जो होती है ना प्रिंटेबल वो 300 होती है, और बहुत अच्छी क्वालिटी होती है तो इसके ऊपर की जरूरत भी नहीं पड़ती हम लोग। तो ये आता है आपका पिक्सल पर इंच में रेजोल्यूशन। इसके बाद द बैकग्राउंड कंटेंट लिखा हुआ है, ये वाइट लिखा हुआ है, कलर मोड अभी मैं छोड़ रहा हूँ, कलर के बारे में जब पढ़ेंगे तब इसका आते हैं। बैकग्राउंड कंटेंट वाइट है, बैकग्राउंड कंटेंट आपका बैकग्राउंड कलर और ट्रांसपेरेंट दो चीज़ें और हैं। अगर आप वाइट लेके ओके करते हो तो ये वाइट शीट आपके पास आ जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। और अगर आप यहाँ पे ट्रांसपेरेंट लेके ओके करोगे तो ये ट्रांसपेरेंट शीट आपकी आ जाएगी, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है। और वहाँ पे आपके पास एक वाइट शीट है पहले, तो अगर आपको ऐसा कुछ क्रिएट करना है जिसको आपको बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट चाहिए, तो या तो आप इस वाइट शीट को यहाँ पे बना के डिलीट करो, और या फिर आप डायरेक्टली बना लो ट्रांसपेरेंट लेके, तो थोड़ा सा एक स्टेप बच जाता है हमारा, थोड़ा सा टाइम बचेगा। तो अगर आपको पहले से पता है कि ट्रांसपेरेंट बनाना है तो आप डायरेक्टली ट्रांसपेरेंट ले सकते हो, ठीक। तो ये होता है आपका शीट। अच्छा गौरव, आपने फोटोशॉप चलाया मैंने कभी नहीं चलाया? ओके, अभी देखना यहाँ पे हम लोग के पास लेयर आएगा। सबसे पहले सॉफ्टवेयर पढ़ने से पहले लेयर को जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि लेयरिंग में हर एक सॉफ्टवेयर में लेयर में काम होता है। लेयर मतलब होता है एक अरेंजमेंट, जैसे ये फाइल है, ठीक है, या बर्गर होता है, तो उसमें ना लेयर बाई लेयर आपकी चीज़ें रखी होती हैं। जो सबसे ऊपर लेयर होगी वही चीज़ दिखाई पड़ेगी। अब सपोज मेरी फाइल ऐसे रखी है, ठीक है, तो जो इसके पीछे शीट होगी वो उतनी दिखाई पड़ेगी जितनी यहाँ पे गैप में दिखती है, ठीक है। ये लेयरिंग होता है, यही काम लेयर का सॉफ्टवेयर में भी होता है। तो अभी लेयर कैसे क्रिएट की है वो अभी मैं नहीं बताऊँगा। आपने जैसे यहाँ पे एक लेयर ली और अलग से एक ऑब्जेक्ट लिया मैंने, अब एक और लेयर ली जिसमें मैंने अलग कलर किया, एक और लेयर ली और उसमें मैंने अलग कलर किया, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास 3 लेयर्स हो गई और 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, और बैकग्राउंड मिला के 4 ऑब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बैकग्राउंड फिर ब्लैक, रेड और ग्रीन ऐसे आ रहा है। जो सबसे ऊपर लेयर है वो ग्रीन है, यहाँ पे अगर आप सबसे ऊपर देखोगे तो ग्रीन ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ठीक है, रेड उसके बाद है, ब्लैक सबसे पीछे, और सबसे पीछे एक्चुअली वाइट है। तो अगर आपको, आप मेरे को कंडीशन देते हो कि ग्रीन वाले को आपको यहाँ शिफ्ट करना है, मैं ग्रीन की लेयर सेलेक्ट करके इसको यहाँ शिफ्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अभी आप मुझे कंडीशन देते हो कि ग्रीन वाला इन दोनों के बीच में चाहिए, अभी रेड वाला बीच में, तो आप लेयर की पोजीशन चेंज कर सकते हो। अभी क्या हुआ, ग्रीन वाला इन दोनों के बीच में चला गया, ठीक है। तो ये होता है लेयरिंग। अगर आपने सारी चीज़ें सपोज एक सिंगल लेयर में क्रिएट करी, लेयर खुद से बनानी पड़ती है, तो अगर आपने सिंगल लेयर में क्रिएट की है तो आप मॉडिफाई करोगे वो पूरा एक बार में मॉडिफाई होगा। आप लेयर की पोजीशन नहीं चेंज कर सकते हो तो ऑब्जेक्ट को आप मॉडिफाई भी नहीं कर पाओगे। वो मर्ज हम लोग करते हैं, मर्ज अभी मैं बता रहा हूँ थोड़ी देर में आपको। तो ये आपका लेयर होता है। तो जनरली क्या है ना कि हम लोग जब बनाते हैं तभी एक ही में बना देते हैं, तो वो मॉडिफाई नहीं हो पाएगा। यहाँ पे मैंने सबको बनाने के बाद मर्ज किया, वो आपको बताने के लिए बस किया था। तो मर्जिंग में क्या होता है ना, जैसे हम लोग ने 20 या 30 लेयर्स बना दी, अब 30 लेयर्स बहुत ज़्यादा साइज हो गया लेयर्स, तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं ना कि लेयर्स को मर्ज कर देते हैं, ताकि जो मतलब जो फाइल हैवी हो रही है वो चीज़ ना हो, ठीक है, फाइल का साइज भी बढ़ता है उससे। तो अगर आपको इंडिविजुअल लेयर की ज़रूरत नहीं है तो आप बाद में उसको मर्ज कर सकते हैं, ठीक। तो अगर आपको लगता है कि मॉडिफाई नहीं करना पड़ेगा फ्यूचर में, तब आप उसको मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में आपको अलग अलग लेयर पे ही काम करना है। अभी लेयर हो गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया लेयर का। अब धीरे धीरे जब काम करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा लेयर के बारे में। यहाँ पे हम लोग के पास टूल्स आते हैं, ओके। टूल्स में ये एक कैटेगरी वाइज टूल भी डिवाइडेड है यहाँ पे, ठीक है। आपके पास जो सबसे लास्ट में कैटेगरी है ना, ये वाली, ये मॉडिफिकेशन टूल्स होते हैं। मॉडिफिकेशन टूल्स मतलब होता है कि हम लोग जब काम करेंगे किसी भी कैनवस पे, कुछ बनाया डिज़ाइन सपोज मैंने, अभी मुझे इसको जूम करना है, मुझे इसको पैन करना है, मुझे ऐसे देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ना ये मॉडिफिकेशन टूल्स आते हैं, जूमिंग, पैनिंग, कलर चेंज करना, इन सब के काम आता है। अभी सपोज मैंने यहाँ पे ये जूम टूल हो गया, ठीक है, जूम टूल लिया। अब जूम टूल लेके मुझे इस डॉट पे काम करना है, ठीक है, जूम करके थोड़ा सा देखना, अच्छे से काम करना है। तो आप इस पर क्लिक करके राइट में ड्रैग कर सकते हो, इसमें जूम हो जाएगा, और क्लिक करके लेफ्ट में ड्रैग करोगे जूम आउट हो जाएगा, ठीक है, राइट ड्रैग, लेफ्ट ड्रैग। और सपोज मैंने इसको ऐसे किया, अब मेरा इस पर काम खत्म हो गया, मुझे ऊपर वाले पे काम करना है,
ऊपर वाला यहाँ पे तो काम करूंगा नहीं, मुझे इसको सेंटर में लाना है। ठीक है, कई सारे तरीके होते हैं। एक तो ये है स्क्रॉल व्हील आ रही है यहाँ पे, अगर तो ऐसे कर सकते हो, या फिर यहाँ पे हैंड टूल आता है, हैंड टूल लेके भी आप क्लिक एंड ड्रैग करके कहीं भी पेज को पैन कर सकते हो। ठीक है, तो ये जूम टूल और पैन टूल होता है, हैंड टूल नाम है उसका। आप शॉर्टकट से भी काम कर सकते हो, ऑल्ट के साथ स्क्रॉल करोगे तो ये जूम इन जूम आउट होता है। ठीक है, और स्पेस बार एंड टूल भी होता है। अगर आप स्पेस बार दबा के रखते हो, जब तक स्पेस बार प्रेस है तब तक ये एंड का काम करेगा और आपको इसको इस तरह से पैन करने में हेल्प करेगा। बस स्पेस बार क्लिक करके ड्रैग कर लेना। ओके, तो ये होता है जूम इन और पैन, ऑल्ट स्क्रॉल और स्पेस बार। लिख लो आपको लिखना है तो, याद नहीं रहता है शॉर्टकट पता है बाद में। ऑल्ट प्लस स्क्रॉल, जो माउस की व्हील आती है, ऑल्ट स्क्रॉल व्हील अगर आप चला रहे हो तो ये जूम इन जूम आउट करेगा। ठीक है, और स्पेस बार प्रेस करके क्लिक करके ड्रैग करो, आपका ये पैनिंग करेगा। स्पेस बार प्रेस के ये हैंड टूल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, हैंड टूल आ जाएगा और फिर आप क्लिक करके कहीं भी ऊपर नीचे ड्रैग करना है आपको ऑप्शन पे, तो आप वो कर सकते हो। अच्छा, सपोज आपके पास माउस नहीं है, कभी आप माउस के बिना काम कर रहे हो और लैपटॉप पे काम कर रहे हो, तब कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे तरीके होते हैं जूम इन जूम आउट करने के। तो कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस माउस नहीं है तब, और ऑल्ट एंड स्क्रॉल जब माउस के साथ काम कर रहे हो, और स्पेस बार आपका पैनिंग के लिए। सजेशन यही रहता है कि माउस के साथ काम करो तो ज़्यादा स्मूथ काम होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, इस तरह से पैनिंग वगैरह कर सकते हो। पेन टैबलेट, अगर आप पेन टैबलेट यूज़ कर रहे हो तो बहुत ही अच्छा है। इधर उधर कर लीजिए, लेकिन माउस से अलग होता है वो, उतना अच्छा काम नहीं हो पाता है। एक्चुअली माउस में ना ये फोर क्लिक्स रहते हैं, लेफ्ट राइट मिडिल माउस स्क्रॉल और क्लिक, तो ये सब नहीं होता है उसमें, बस ऐसे चलाने के लिए होता है, तो माउस होना चाहिए। हाँ ठीक है, तो इस तरह से आप ये काम कर सकते हो। अभी यहाँ पे ये दो कलर्स आते हैं, ये एक्चुअली दो एक्टिव कलर्स हैं, फिलहाल इसका कोई भी अलग से यूज़ नहीं है। एक्टिव कलर्स मतलब यहाँ पे ब्लैक और व्हाइट दो हैं, मतलब आप एक टाइम पे दो कलर्स पे काम कर सकते हैं। सपोज आपको ये कलर चेंज करना है, तो आपके पास यहाँ पे स्वेचेज हैं, स्वेचेज मतलब प्री डिफाइंड कलर्स होंगे, आप इस पर क्लिक करके कोई भी कलर चूज कर सकते हो। ठीक है, बाई डिफॉल्ट ये ब्लैक एंड व्हाइट आता है। अभी क्या होता है कि आपके पास यहाँ पे जैसे ब्लैक है, आपको ब्लैक कलर अपने कैनवस पे फिल करना है, तो आप ऑल्ट दबा के बैक स्पेस प्रेस करोगे, ऑल्ट बैक स्पेस, ऑल्ट बैक स्पेस से आपका बैकग्राउंड कलर फिल होगा। और कंट्रोल बैकस्पेस से बैकग्राउंड कलर फिल होगा, ऑल्ट बैकस्पेस से फोरग्राउंड आगे वाला और कंट्रोल बैकस्पेस से बैकग्राउंड पीछे वाला। वही मैंने फिलहाल बताया ना, फिलहाल कोई डिफरेंस नहीं, अभी ग्रेडियंट वगैरह करेंगे तो हम लोग को दो कलर मिक्स करके जब काम करना होता है तब वो यूज आते हैं। हाँ, तो फिलहाल तो आपका अभी दो तीन क्लासेस तक सेम ही है ये दोनों। अभी ये फोरग्राउंड ये बैकग्राउंड, ठीक है, फोरग्राउंड फिल करने के लिए ऑल्ट बैकस्पेस, बैकग्राउंड फिल करने के लिए कंट्रोल बैकस्पेस। अगर आपको कलर चेंज करना है तो आप यहाँ पे स्वेचेस से कोई भी कलर ले सकते हो, यहाँ पे कलर आ गया ऑल्ट बैकस्पेस से, अब ये कलर आ जाएगा, कंट्रोल बैकस्पेस से बैकग्राउंड वाला आ जाएगा। सपोज आपको कोई ऐसा कलर चाहिए जो कि इस कैटेगरी में नहीं है, आपको बनाना है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो इस कलर पे, ये आपका कलर पिकर खुल के आएगा। ठीक है, अब कलर पिकर में एक यहाँ पे व्हील दिखा रहा है और ये आपका कलर दिखा रहा है, तो यहाँ से आप व्हील घुमाओ, ये आपको जो भी शेड चाहिए, जैसे मुझे सियान या ब्लू चाहिए, ये ब्लू लिया, अब ब्लू ये कलर मेरा बन रहा है, मुझे डार्क ब्लू चाहिए, तो आप यहाँ से इसको डार्क कर सकते हो, लाइट वगैरह करना है वो कर सकते हो। ये डार्क ब्लू लिया और पीछे वाले पे बैकग्राउंड पे फिल करके मैंने थोड़ा सा ऑरेंजिश, यहाँ पे सपोज ये मैंने ऑरेंजिश ले लिया। ठीक है, ऐसा अभी ऑल्ट बैकस्पेस से ब्लू आएगा, कंट्रोल बैकस्पेस से ऑरेंजिश आएगा, तो इस तरह से आप अलग अलग कलर्स पे काम कर सकते हो, ऑल्ट बैकस्पेस कंट्रोल बैकस्पेस। ठीक है, नेक्स्ट आपको अगर ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए तो ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए, आपको क्लिक करके यहाँ पे व्हाइट या फिर ब्लैक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ब्लैक एंड व्हाइट जनरली हम लोग को चाहिए होता है ब्लैक और व्हाइट, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आपके पास एक छोटा सा वर्जन दिख रहा है इसी का, आप इस पर क्लिक करो, ये ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। बाई डिफॉल्ट कलर्स होता है ये, डिफॉल्ट फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर, और इसका शॉर्टकट डी होता है।
अगर आप कीबोर्ड पे डी प्रेस कर रहे हो, सिंपल डी, तो ये बैकग्राउंड फोरग्राउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, सिर्फ डी, सिर्फ डी से ये कन्वर्ट होता है, ठीक है। कंट्रोल डी वगैरह किसी और चीज़ से होंगे, तो सिर्फ डी प्रेस किया, यहाँ पे ये कन्वर्ट हो गया। कैसे? सेम, यहाँ पे क्लिक किया, कलर चेंज किया, और कोई भी कलर आप लेके बना सकते हो इसको, क्लियर है। तो इस तरह से आप कलर से यहाँ पे चेंज कर, आपको ऑल्ट बैकस्पेस करना पड़ेगा, वो कलर सिर्फ वहां आपके लिए है, कैनवस पे फिल करना पड़ेगा मैन्युअली। ठीक है। अभी मेरे पास टूल्स आते हैं यहाँ पे ऊपर, यहाँ से शुरू करेंगे। आज हम लोग को ये 6 टूल्स कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपके पास ये 6 टूल्स जो है, ये सिलेक्शन टूल की कैटेगरी होती है, ठीक है। सिलेक्शन टूल मतलब होता है कि जैसे हम लोग ऑल्ट बैकस्पेस कर रहे हैं तो फोरग्राउंड कलर फिल हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, पूरे में फिल हो रहा है। अब सपोज फेसबुक है, फेसबुक में क्या होता है, ऊपर की तरफ ब्लू होता है और नीचे की तरफ ब्लू होता है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना होता है, ये टूल लेके हम लोग सिलेक्ट करेंगे, तब ये पार्ट सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अभी सिलेक्ट होने के बाद आप इस पे कलर करोगे तो सिलेक्शन के अंदर कलर करोगे, ठीक है। फोटोशॉप में आपको किसी पर्टिकुलर एरिया पे काम करना होगा, तो आप उसको एरिया को पहले सिलेक्ट करोगे, देन उस पे काम करोगे, ठीक है। ये होता है फोटोशॉप में। क्लियर है इतना? तो ये हो गया आपका कलर। अभी जैसे मैंने इधर का सिलेक्ट किया, फिल किया, अभी देखो फेसबुक कुछ ऐसा ही आता है, यहाँ पे ऊपर वो टैब लगा होगा वाइट वाइट सा, और ये आपका इस तरह से, फिर नाम, एड्रेस वगैरह, साइन इन, साइन अप, यहाँ पे साइन इन हो गया, वहाँ पे साइन अप हो गया, इस तरह से कुछ आता है, ठीक है। अभी मैं इसको वाइट कर रहा हूँ, कंट्रोल बैकस्पेस किया, बैकग्राउंड कलर वाइट था मेरा, तो वाइट फिल हो गया। तो सिलेक्शन टूल मतलब हुआ कि अगर एक पर्टिकुलर एरिया पे आपको काम करना है, तो फोटोशॉप को उस पार्ट को सिलेक्ट करके आपको बताना होगा कि ये मेरा पार्ट है, इस पे काम करना है, ठीक है। तो ये होता है सिलेक्शन टूल। अभी सिलेक्शन टूल कैटेगरी में सबसे पहला टूल जो आता है, ये होता है मार्की टूल, ठीक है। मार्की टूल, MARQUEE टूल। अभी मार्की टूल में आप रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, इलिप्स, ओवल, ये सब कुछ क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो, ये एरो लगा हुआ है हर टूल में, ऑलमोस्ट हर टूल में एरो लगे हुए हैं, ठीक है, कॉर्नर पे। ये एरो का मतलब होता है कि आपके इस कैटेगरी में और भी टूल्स हैं, ठीक है। आपके पास यहाँ से यहाँ तक जितने भी टूल्स हैं, इसमें लगभग 70+ टूल्स होते हैं, 70-75 ऐसे कुछ टूल्स होते हैं। तो 70 टूल्स यहाँ पे एक साथ दे देते तो बहुत ज़्यादा सभी भर जाता है। तो इन्होंने कैटेगरी वाइज डिवाइड करके ना अलग अलग टूल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। अब सबसे पहले आपका मार्की टूल आएगा। आप नॉर्मली क्लिक एंड होल्ड कर सकते हो, क्लिक करके होल्ड करोगे थोड़ी देर बाद ये खुल जाएगा, या फिर आप नॉर्मल राइट क्लिक कर सकते हो, तो राइट क्लिक में भी ये खुल जाएगा, ठीक है। क्लिक एंड होल्ड ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि आप आगे भी सॉफ्टवेयर करोगे, वहाँ सब जगह क्लिक एंड होल्ड से, मतलब राइट क्लिक से काम नहीं होता है, तो आपको क्लिक एंड होल्ड भी करना पड़ेगा, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? अच्छा, डाउट हो तो पूछ लेना प्लीज, दोनों क्लियर है। अभी यहाँ पे ये मेरे पास 4 टूल्स आएंगे मार्की टूल में, रेक्टेंगुलर मार्की टूल, एलिप्टिकल मार्की टूल, सिंगल रो मार्की टूल और सिंगल कॉलम मार्की टूल, ठीक है। सबसे पहला आता है रेक्टेंगल मार्की टूल। रेक्टेंगुलर मार्की टूल में आप क्लिक करके ड्रैग करोगे, रेक्टेंगल शेप बनाता है, ठीक है। अभी रेक्टेंगल आप वर्टिकल ले सकते हो या फिर हॉरिजॉन्टल ले सकते हो, जैसा भी आपका सिलेक्शन क्रिएट करना हो वो आप ले सकते हो। अभी जैसे कि मैंने क्लिक एंड ड्रैग करके यहाँ पे रेक्टेंगल बनाया, ठीक है। अभी अगर मैं कलर करता हूँ ऑल्ट एंड बैकस्पेस से, तो क्या हुआ, बैकग्राउंड पे ही इसने कलर फिल कर दिया। तो आपको एक नई लेयर पे कलर फिल करना है अगर, तो आपको यहाँ पे लेयर के नीचे सेकंड लास्ट बटन ये होता है, ये आपका न्यू लेयर का बटन होगा, ठीक है, क्रिएट अ न्यू लेयर, ओके। अभी क्रिएट अ न्यू लेयर पे गए, यहाँ पे क्लिक किया, ये इसने लेयर नंबर 1 बना दिया, ठीक है। जनरली क्या होता है, ये लेयर ट्रांसपेरेंट होती है, ये जो चेकर दिख रहे हैं ना, अब किसी भी सॉफ्टवेयर में चेकर देखते हो तो इसका मतलब है ट्रांसपेरेंट। तो चेकर के ऊपर मतलब लेयर पे क्लिक किया, अभी इस लेयर पे कुछ नहीं है, ऑल्ट एंड बैकस्पेस, मेरा जो भी फोरग्राउंड कलर होगा वो इस लेयर पे फिल हो जाएगा। अभी देखो इस लेयर पे एक ये रेक्टेंगल आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिलेक्शन करके लेयर पे ऐसे काम कर सकते हो, ओके। तो आपको हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल, वर्टिकल रेक्टेंगल बना सकते हो यहाँ पे। अच्छा, फोटोशॉप में या एडोबी के किसी भी सॉफ्टवेयर में अगर आपको प्रपोर्शन में काम करना है, मतलब विड्थ और हाइट एक साथ काम करना है, तो आपको शिफ्ट प्रेस करना होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर आप रेक्टेंगल बनाते टाइम शिफ्ट प्रेस करते हो तो ये स्क्वायर बनाएगा, ठीक है? बनाते टाइम करना है, बनाने के बाद नहीं करना है, समझ में? क्लिक करके शिफ्ट प्रेस करके ड्रैग करना है। हो गया? तो क्लिक करके शिफ्ट प्रेस करके ड्रैग किया, यहाँ पे आपका स्क्वायर बनाएगा, परफेक्ट स्क्वायर है ये, ऑल्ट एंड बैकस्पेस, ये स्क्वायर है, ठीक है? नेक्स्ट आता है हम लोग के पास एलिप्टिकल मार्की टूल। एलिप्टिकल मार्की टूल आपका ओवल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, जैसा भी आपको ओवल बनाना है, ओवल बनाने के लिए यूज होगा, या फिर शिफ्ट के साथ आपका सर्कल बनाने के लिए यूज होगा, ठीक है? तो ओवल या सर्कल बनाने के लिए आप रेक्टेंगल मार्की टूल यूज कर सकते हो, सॉरी, एलिप्टिकल मार्की टूल यूज कर सकते हो। तो क्लिक एंड ड्रैग फॉर ओवल और शिफ्ट प्रेस क्लिक करते टाइम, और ये सर्कल बनाएगा, ठीक है? अभी यहाँ पे ये दो टूल्स कंप्लीट करते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। सिंगल रो मार्की टूल, सिंगल कॉलम मार्की टूल। सिंगल रो में क्या होता है, आप क्लिक करोगे, बस एक बार क्लिक करना है, ये एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन बना देगा पूरे पेज पे सिंगल पिक्सल की। इसमें आप अगर चाहोगे कि डबल पिक्सल मिल जाए, 10 पिक्सल मिल जाए, तो ये नहीं करेगा, ये सिंगल पिक्सल की पूरी लाइन बनाता है। मार्जिन वगैरह बनाने के लिए आप यूज कर सकते हो, ठीक है? जनरली इनका यूज नहीं होता है क्योंकि सिंगल पिक्सल मतलब बहुत छोटा हो गया। इसके बाद आता है कॉलम, सिंगल कॉलम मार्की टूल। ये सिंगल कॉलम बनाएगा, ऐसे वर्टिकल लाइन बनाएगा पूरे पेज पे सिंगल पिक्सल की, ठीक है? नहीं, इसमें जरा सा भी आपको ज्यादा करना है वो नहीं हो पाएगा, वही प्रॉब्लम आती है इसमें, इसीलिए ये यूज नहीं करते। आपको थोड़ा भी ज्यादा चाहिए, आप रेक्टेंगल टूल लेके बनाना होगा, देख रहे हो ऐसे? अब जरूरी नहीं ना कि पूरे पेज पे आपको लाइन चाहिए, थोड़ा हाफ चाहिए या थोड़ा सा ब्रेक में चाहिए, तो रेक्टेंगल टूल लेके ही बनाना पड़ेगा, ओके? तो इस तरह से आप ये क्रिएट कर सकते हो, ओके? देन आता है आपका वापस मार्की टूल पे आते हैं, रेक्टेंगल मार्की टूल। रेक्टेंगल मार्की टूल पे यहाँ पे स्टाइल है, अगर आपको प्रॉपर साइज या फिर प्रपोर्शन पता है तो आप यहाँ पे जा सकते हो। स्टाइल में रेशियो, रेशियो मतलब आपका विड्थ और हाइट का रेशियो, 1:1 है तो ये स्क्वायर बनाएगा, जितना बड़ा भी स्क्वायर बनाओगे, अब शिफ्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। 2:1 करते हो तो विड्थ डबल हो जाएगी आपकी हाइट की, ठीक है? इसके बाद आता है फिक्स साइज, अगर आपको प्रॉपर साइज पता है, जैसे 4x4 इंच है, आप क्लिक करो, ये 4x4 इंच का रेक्टेंगल बना देगा। अभी जैसे मैंने यहाँ पे रखा विड्थ में 7 इंचेस, हाइट पे 4 इंचेस, ये 7x4 का एक रेक्टेंगल क्रिएट कर देगा। तो प्रॉपरली अगर आपको पता है कि कितना साइज का आपको रेक्टेंगल चाहिए, तब आप बना सकते हो, ठीक है? अच्छा, एक चीज़ और देखना, यहाँ पे जो विड्थ और हाइट है जनरली पिक्सल्स में आती है, ठीक है? तो आप जैसे 7 इंचेस है तो जैसे 5 इंचेस लेना है तो 5 IN इंचेस लिख सकते हो, और मिलीमीटर में चाहिए आपको, जैसे मुझे 100 मिलीमीटर चाहिए तो 100 mm लिख दिया, ये 100 मिलीमीटर हो जाएगा, ठीक है? लेकिन जनरली क्या होता है, पिक्सल इंचेस में कन्वर्ट करोगे तब ज़्यादा इजी लगेगा। तो राइट क्लिक करा, जिस यूनिट पे भी आपको चाहिए वो उस यूनिट पे आप इसको ले आओ, इंचेस चाहिए इंचेस ले आओ, ठीक है? तो इंचेस में दिखाएगा, समझ में आया अभी? तो ये 3.937 इंचेस कर दिया, जो भी मिलीमीटर में कन्वर्ट करके इसे आपने। तो ये था स्टाइल, नॉर्मल किया इसको। सेम यही चीज़ आपकी इलेप्टिकल मार्की में भी आती है। स्टाइल में अगर आप फिक्स साइज लेते हो, 3x5 इंच का एक ओवल बनाना है आपको, ओवल ये 3 हो गया, इसकी सेंटर से करते हैं 3x5, ये डायमीटर नहीं लेगा, ठीक है? सर्कल चाहिए, 3x3 कर दिया, ये सर्कल बना दिया, ठीक है? तो इस तरह से आप फिक्स रेशियो, फिक्स साइज इन सब पे काम कर सकते हैं। देन वापस से रेक्टेंगल मार्की टूल पे अभी देखना क्या होता है, जैसे आपने क्लिक करा और ड्रैग किया, ये आपका रेक्टेंगल बना रहा है, ठीक है? मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि जब मैं कलर कर रहा हूँ, पहले कलर देख लो, एक न्यू लेयर ली मैंने और कलर कर दिया, ठीक है? अभी जब आप जूम करोगे ना, यहाँ पे देखना, ये आपका सिलेक्शन अभी भी है, आपका सिलेक्शन हटा नहीं है। तो अगर आप जैसे कोई और सिलेक्शन मैंने बनाया और इसमें कलर मैं कर रहा हूँ, तो ये पहले वाले भी चेंज कर दिया, तो आपको ना मैनुअली सिलेक्शन को हटाना पड़ेगा जब आप काम खत्म हो गया हो आपका, उसके लिए राइट क्लिक और डीसिलेक्ट, ठीक है? राइट क्लिक डीसिलेक्ट कर सकते हो, या फिर ऊपर सिलेक्ट के अंदर डीसिलेक्ट, ठीक है? और यहाँ पे ना कंट्रोल डी भी ऑप्शन आता है, तो कंट्रोल डी प्रेस करके भी आप डीसिलेक्ट कर सकते हो। हाँ, तो डीसिलेक्ट किया, ये आपका डीसिलेक्ट हो गया, मतलब सिलेक्शन हट जाएगा, आपका काम सिर्फ सिलेक्शन के अंदर ही हो रहा है। अभी आप कोई नया मार्क बनाओ, फिल करो, तो सिर्फ इस पे काम करेगा। तो ये होता है डीसिलेक्ट करने के लिए, आप क्लिक एंड ड्रैग करो, राइट क्लिक करके डीसिलेक्ट, या फिर सिलेक्ट के अंदर जाके डीसिलेक्ट, या फिर कंट्रोल प्लस डी, ठीक है?
डी से सिर्फ ये ब्लैक एंड व्हाइट होता है, कंट्रोल डी से डीसेलेक्ट होता है, ठीक है, ये डीसेलेक्ट हो गया। अभी देखना, जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्शन बनाया ये, ठीक है, ऑल्ट बैकस्पेस क्या करेगा, ऊपर वाले पे सिलेक्शन के अंदर काम कर देगा, वहां पे कलर कर देगा। लेकिन सपोज आपने सिलेक्शन गलत बना दिया है, ठीक है, आपने जिस एरिया पे काम करना है उसका अपोजिट सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है, आपको काम इस पे नहीं करना है, यहाँ पे करना है, अब क्या कर सकते हो, इसको डिसलेक्ट किया फिर से बना दिया, ये आप कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है ना, इस तरह की इमेज में, अभी मैंने सपोज बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लिया लेकिन मुझे इसको सिलेक्ट करना था, तब आप बाद में फिर से नहीं करोगे क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड शेप है, रेक्टेंगल तो बना लिया हमने। तब हम लोग क्या करेंगे, इसको हमने सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, यहाँ पे आता है सिलेक्ट इनवर्स, तो जो भी आपका सिलेक्शन है ना उसको अपोजिट कर देगा, जो भी सिलेक्टेड नहीं था उसको सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप सिलेक्ट इनवर्स कर सकते हो। नहीं वो नहीं, मैंने वो मैंने नहीं बनाया था, ये तो अभी बच्चों को दिखा रहा था तब बनाया है। वेक्टर मैप दिखाता हूँ अपना, पोर्ट्रेट एक मैंने बनाया था। ये मैंने बनाया स्क्रैच से, ये फोटो थी ओरिजिनल और इसको मैंने वेक्टर में कन्वर्ट किया था, तो इस तरह से वेक्टर बना सकते हो आप। अच्छा है, मैं अपने स्टूडेंट का भी काम दिखाता हूँ, उसका भी बहुत अच्छा था, ये मेरे स्टूडेंट ने बनाया था एक टाइम पे, जेम्स फ्रैंक वेक्टर कन्वर्ट किया था। अच्छा होता है वेक्टर में ना, काफी मजा आता है। तो ये है, हाँ वेक्टर काफी आता है, तो अच्छा है वेक्टर चीज ना, काफी अच्छी होती है और आप क्रिएट कर सकते हो काफी ज्यादा चीजें उसमें। वापस आते हैं यहाँ पे, अभी जैसे मुझे बाउंड्री लाइन बनानी है, तो बाउंड्री बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, क्या क्या कर सकते हो, कि एक तो आपने यहाँ पे बनाया, ठीक है, कलर किया, फिर आपने यहाँ पे बनाया, फिर कलर किया, फिर आपने यहाँ पे बनाया, ये ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड लेंदी पड़ जाएगा सिस्टम की, अगर आप बार बार बना के, बाउंड्री बिल्कुल बन जाएगी यहाँ पे लेकिन ये लेंदी बहुत पड़ गया, ठीक है। तो हम लोग क्या काम करेंगे, इससे अच्छा है कि आप अंदर का पार्ट सिलेक्ट करो, ये पार्ट मैंने सिलेक्ट किया, अभी अगर मैं कलर कर रहा हूँ तो अंदर कलर हो रहा है, मुझे क्या करना है, बाहर कलर करना है, इनवर्स सिलेक्शन, सिलेक्ट इनवर्स और कलर किया। गौरव समझ में आया आपको, ये आपका सिलेक्ट इनवर्स होता है, ठीक है, समझ में नहीं आया तो पूछ लेना यार, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सिलेक्ट इनवर्स था, तो हमें सिलेक्शन करने के बाद डीसेलेक्ट करना है, और सिलेक्ट को अगर इनवर्स करना है या अपोजिट करना है तो इनवर्स सिलेक्शन करना है, शॉर्टकट्स आपके, हाँ बिल्कुल। अभी यहाँ पे आपका ना सिलेक्ट जो ऑप्शन है ना, इसके अंदर सारे के सारे सिलेक्शन के ऑप्शन आते हैं, डी सिलेक्ट कंट्रोल प्लस डी, सिलेक्ट इनवर्स कंट्रोल शिफ्ट आई, ठीक है, तो अगर शॉर्टकट आप यूज करना चाहो, कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करोगे आपका ये इनवर्स सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया सिलेक्ट इनवर्स, तो यहाँ पे आपके पास ये था मार्की टूल, अच्छा खत्म नहीं हुआ मार्की टूल, अभी मैंने जैसे रेक्टेंगल मार्की टूल पे क्लिक किया, यहाँ पे आपके पास मॉडिफिकेशन के लिए चीजें आती हैं, मॉडिफिकेशन मतलब जैसे आपने क्लिक एंड ड्रैग किया, ये आपका सिलेक्शन बन गया, ठीक है, फिल करोगे कलरफुल हो गया, जो भी कलर फोरग्राउंड या बैकग्राउंड में रखा होगा वही कलर आप फिल कर सकते हो। यहाँ पे आता है सबसे पहले न्यू सिलेक्शन, न्यू सिलेक्शन में अगर आप क्लिक करके ड्रैग कर रहे हो, आपका पहला वाला सिलेक्शन हट जाएगा और नया सिलेक्शन बनने लगेगा, और अगर आप सिलेक्शन के अंदर क्लिक करके ड्रैग करोगे तो आपका सिलेक्शन मूव हो सकता है, ठीक है, ये न्यू सिलेक्शन में होगा। नेक्स्ट आता है ऐड टू सिलेक्शन, सपोज मुझे यहाँ पे एक और सिलेक्शन इसमें ऐड करना है, जैसे फोटो फ्रेम्स होते हैं, क्लिक एंड ड्रैग किया ये ऐड हो गया, ठीक है, नीचे क्लिक एंड ड्रैग किया ये ऐड हो गया, बाहर ऐड करना है यहाँ पे आप क्लिक एंड ड्रैग करो, ये भी आपका ऐड हो गया, ठीक है। इसके बाद है सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन मतलब क्लिक एंड ड्रैग किया ये पोर्शन पुराने से हट जाएगा, ठीक है, आपके जैसे कोलाज आजकल आ रहे हैं फोटो फ्रेम्स, तो इस तरह से आप वो सब क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये था, अगर आप बाहर से भी ऐसे डिलीट करना चाहते हो ये भी आप डिलीट कर सकते हो, देखो ऐसे मैंने किया ऑल्ट एंड बैकस्पेस, ये आपका फ्रेम बना सकता है। तो इस तरह से आपके पास ये ऐड टू सिलेक्शन होता है, देन इसके बाद आएगा सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन हो गया ये ऐड टू सिलेक्शन, इसमें क्या होगा, जैसे आपने बनाया, ठीक है, क्लिक किया ऐड टू सिलेक्शन पे,
और क्लिक एंड ड्रैग, अभी आपका पहला भी रहेगा और नया सिलेक्शन ऐड भी हो जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे न्यू सिलेक्शन पे हो ना, तो आप बनाओगे ये पहले वाले हट जाएंगे, नया बनता रहेगा हमेशा। तो अगर मल्टी सिलेक्शन चाहिए, मल्टीपल सिलेक्शन, तो आप ये कर सकते हैं, सब्स्ट्रैक्ट में पहले वाले से दूसरा वाला सब्स्ट्रैक्ट करेगा। क्या मूव कर रहा है ये चल रहा है, ये चीज बोल रहे हो, ये एक्चुअली सिलेक्शन है, ये चल नहीं रहा, ये सिलेक्शन है। सिलेक्शन कलर करना है, डीसिलेक्ट करना है, वो फिक्स है एक जगह पे, वो चल नहीं रहा, अपनी जगह से नहीं हिल रहा है वो, आप मतलब यहाँ पे ही प्ले होता है, वो दिखाई पड़ रहा है। इसका एक्चुअली जो सिलेक्शन होता है ना, ये समझाने के लिए होता है कि ये सिलेक्शन बनाया हमने, इसको मार्चिंग आर्ट बोलते हैं, मार्चिंग आर्ट आर्ट की तरह चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो इसलिए इसको मार्चिंग आर्ट बोलते हैं। ये कहीं जा नहीं रहा है, ये फिक्स है अपनी जगह पे, बस उसी जगह पे ये मूव करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो ये सिलेक्शन है कि आपने सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन जैसे ये बनाया, इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो भी आप सिलेक्शन, जैसे दो सिलेक्शन बनाओगे ना, जो कॉमन एरिया रहेगा दोनों का वो बचेगा, बाकी हटा दे जाएगा। ठीक है, तो वो था इंटरसेक्शन। सेम चीज आपका, जैसे रेक्टेंगल लिया आपने यहाँ पे, और रेक्टेंगल में आपको सर्कल ऐड करना है या सर्कल सब्सट्रैक्ट करना है, तब भी आप यहाँ से ऐड टू सिलेक्शन सर्कल ले लो, इलेप्टिकल मार्किंग टूल, ऐड टू सिलेक्शन करोगे तो इसमें सर्कल ऐड कर देगा, सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन करोगे तो पहले वाले से सर्कल डिलीट कर देगा, आप इस तरह के शेप्स क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता है आपका सब्सट्रैक्ट, मतलब सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, ऐड टू सिलेक्शन मॉडिफिकेशन के लिए। और ये ना, जैसे आप सोचो कि रेक्टेंगल आपने सर्कल बना रखा है, अब ये रेक्टेंगल ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, तो ये सिलेक्शन है, इससे टूल का कोई मतलब नहीं। आपका सिलेक्शन बनाए, जो भी टूल है वो इस सिलेक्शन के ऊपर काम करेगा। अभी जैसे मैंने यहाँ से सब्सट्रैक्ट किया रेक्टेंगल, तो ये रेक्टेंगल सब्सट्रैक्ट कर दिया इसे, ठीक है। तो सिलेक्शन किसी भी टूल से बनाओ, दूसरे टूल से आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता है आपका मार्की टूल। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं है। देन एक चीज़ और बचती है यहाँ पे, जैसे मैंने इलेप्टिकल मार्की टूल लिया, क्लिक एंड ड्रैग किया, ये मेरा इलेप्टिकल, एक इलेप्स बना दिया मैंने। अभी अगर मैं कलर करता हूँ यहाँ पे, जैसे कोई भी मैंने कलर लिया, एक न्यू लेयर लेते हैं और इसमें फिल करते हैं, ये देख रहे हो, ये जब आप जूम करोगे ना, इसकी एज देखना है, एकदम शार्प है, ठीक है। अगर आपको एज में स्मूथनेस चाहिए, तो आपके पास ऑप्शन है कि सिलेक्शन बनाओ, राइट क्लिक करो, और यहाँ पे आता है फेदर, आप फेदर पे क्लिक करो, यहाँ पे 20 पिक्सल जैसे फेदर लिखा हुआ है, ओके करोगे, ये आपका ऑल्ट एंड बैक स्पेस ये 20 पिक्सल स्मूथ कर देगा, ठीक है। अब सपोज मैंने बैकग्राउंड को ब्लैक कर दिया, फेदर 50 पिक्सल सपोज फेदर किया, और यहाँ पे मैंने कोई भी लाइट कलर डाल दिया, ठीक है। और फेदर चाहिए मुझे, फेदर किया मैंने इसको 100 पिक्सल्स फेदर किया और कलर डाल दिया, ये देख रहे हो। अभी विदाउट फेदर मैंने कोई एक कलर लिया और फिल किया, विदाउट फेदर, फेदर पे गए, 0 पिक्सल किया, नया लेंथ है, क्लिक एंड ड्रैग ये किया, और इस पे मैंने जैसे कंट्रोल बैक स्पेस वाइट कर दिया, ये देख रहे हो, आपको कुछ ऐसे मून टाइप का शेप आ सकता है, ठीक है। तो अगर कहीं ग्लो डालना है आपको या फेदर आपको चाहिए, तो इस तरह से फेदर आप कर सकते हैं, ओके। तो ये था आपका फेदरिंग, ठीक है। अभी आपके पास ये हो गया, जैसे ये सब सारे टूल्स हो गए हमारे पास, ये टूल्स हो गए हमारे पास, नहीं सब में होगा, हर सिलेक्शन में होगा एक। कितना क्लियर हो गया आप लोग को? अभी क्या है कि ये मेरे पास सिलेक्शन हो गए, आप रेक्टेंगल में भी करना चाहो ना, राइट क्लिक करो, फेदर करो, जितना पिक्सल करना है, 60 पिक्सल फेदर किया, ये 60 पिक्सल रेक्टेंगल को भी फेदर कर देगा, ठीक है। तो किसी भी टूल पे आप फेदर डाल सकते हैं, ये फेदर था। नेक्स्ट टूल पे आते हैं, नेक्स्ट टूल होता है मूव टूल। मूव टूल मतलब जैसे आपने कोई भी ऑब्जेक्ट बनाया, एक नई लेयर पे मैंने कलर किया, ठीक है, न्यू लेयर लेना हमेशा याद रखना है, से क्रिएट न्यू लेयर से। अभी यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाया और ऑल्ट एंड बैक स्पेस करके कलर कर दिया, ठीक है। मूव टूल आपका ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए होता है, आप कहीं भी इसको मूव करके रख सकते हो, ठीक है। और मूव टूल का ना बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो इसके लिए शॉर्टकट है कंट्रोल। अगर आप किसी भी टूल पे जाके कंट्रोल प्रेस करते हो, ये अपने आप ही आपका कर्सर मूव में कन्वर्ट हो जाएगा, और आप इसको क्लिक एंड ड्रैग कर सकते हो। तो कंट्रोल, बस आप कोई भी शेप बनाओ यहाँ पे, और कंट्रोल प्रेस करके आप इसको ड्रैग करो,
ठीक है, तो ये मूव करेगा ऑब्जेक्ट को। ओके अच्छा, एक और चीज है कि अगर आप मूव टूल के साथ या कंट्रोल के साथ ऑल्ट प्रेस करते हो तो ये देख रहे हो आइकन चेंज हो रहा है, दिख रहा है? अभी आप क्लिक करके ड्रैग करो ये डुप्लीकेट कर देगा ऑल्ट और फिर क्लिक एंड ड्रैग, कंट्रोल ऑल्ट फिर क्लिक एंड ड्रैग। तो ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 रेक्टेंगल हमने बना लिए। और अच्छी चीज़ क्या है कि जब आप मूव करते हो तो ये अलग लेयर पे मूव करेगा, ठीक है? तो ये सारे के सारे अलग डुप्लीकेट बन गए लेयर 1 कॉपी 5 पर, ठीक है? तो 6 टूल्स हमने बनाए, 6 ऑब्जेक्ट्स बनाए। अब एक चीज़ देखना कि आपको जैसे मुझे इस रेक्टेंगल पे काम करना है, अगर मैं इसको मूव करता हूँ ना तो जो लेयर सिलेक्टेड है उसी को ये मूव कर देगा ऊपर वाले को। तो क्या है कि यहाँ पे मुझे इस पे काम करना है, मुझे नहीं पता है कि ये वाला किस लेयर पे है, ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे आई है, आई को क्लोज करोगे हाइड हो जाएगा। तो आप हाइड करके देख सकते हो कि ये अच्छा इस पे है, आपने इस लेयर को सिलेक्ट किया फिर इसको मूव कर लिया, ठीक है? लेकिन प्रॉब्लम है कि अगर आपके पास ये 5 लेयर है आप हाइड करके देख सकते हो, अगर आपके पास 50 लेयर तो हाइड करना पॉसिबल नहीं है। मतलब पॉसिबल तो है, एक एक करके देखना पड़ेगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप एक काम और कर सकते हो, कंट्रोल या मूव टूल, कोई भी मूव टूल लेना है आपको, कंट्रोल प्रेस किया, ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, इस ऑब्जेक्ट पे जाके राइट क्लिक कर दो, ये आपके पास दिखा देगा कौन सा ऑब्जेक्ट है। आप इस पे क्लिक करो, आपकी लेयर अपने आप सिलेक्ट हो जाएगी और फिर आप इसको मूव कर सकते हो, कंट्रोल राइट क्लिक और लेयर सिलेक्ट मूव, कंट्रोल के बाद राइट क्लिक और लेयर अपने आप सिलेक्ट हो जाएगी, फिर आपको वो सिलेक्शन बना देगा, मतलब जो भी काम करना है कर। हो गया, अभी ये चीजें हो गई हैं। अभी मेरे पास देखना एक चीज और कि कंट्रोल के साथ वहीं पर राइट क्लिक करना है जहां पे ऑब्जेक्ट है, मतलब ये जब कर्सर जहां पे होगा ना उसके नीचे, कर्सर के जस्ट नीचे जो भी लेयर होगी वो वही शो करेगा। अब जैसे लेयर 1 कॉपी 2 है, क्लिक किया मैंने इसको मूव करके मैं यहाँ पे ले आया, अभी यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट्स हैं 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे अगर आप राइट क्लिक करोगे तो 3 दिखाएगा, लेयर 1 कॉपी 2 फिर लेयर 1 कॉपी फिर बैकग्राउंड, तो जो भी आपको सिलेक्ट करना है क्लिक किया ड्रैग किया, ठीक है? तो इस तरह से आप लेयर को सिलेक्ट कर सकते हो, पता कर सकते हो कि कौन सी लेयर है। तो आपके पास मल्टीपल लेयर है तब भी आपका इजी हो जाएगा उस पर काम करना। नेक्स्ट आता है, अच्छा मैं थोड़ा देर टूल से हट रहा हूँ, मैं थोड़ी देर लेयर पे बात करूंगा, ठीक है? लेयर में अगर आप देखोगे, लेयर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपका इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट पे काम करने के लिए, हम लोग लेयर को यूज करते हैं। लेयर में 3 चीजें दिखाई पड़ रही है मेरे को, एक ये आई, ठीक है, फिर ये थंबनेल और फिर ये नाम लिखा हुआ है, ठीक है? आपके पास जैसे आई है, आई मतलब विजिबिलिटी, तो आई अगर क्लोज कर दोगे तो हाइड हो जाएगा ऑब्जेक्ट, तो ये होता है आई का काम, ठीक है? अगर आप आई पे राइट क्लिक करोगे तो ये कुछ ऑप्शंस देगा, ठीक है? और आप किसी भी चीज़ पे, आई पे, थंबनेल पे, नाम पे, कहीं भी राइट क्लिक करोगे ये अलग अलग ऑप्शंस देगा, ठीक है? मतलब तीनों पे अलग कुछ आ रहा है, ठीक है? सबसे पहले आई को देखते हैं, आई पे राइट क्लिक किया, यहाँ पे सबसे पहले हाइट दिस लेयर, जो नॉर्मल क्लिक करके भी हो रहा था हाइट, इसके बाद आएगा हाइट शो स्लैश हाइड ऑल अदर लेयर्स, ये होता है सोलो। सोलो मतलब अगर आपको एक ऑब्जेक्ट पे काम करना है आप सोलो कर सकते हो, सारे हाइड हो जाएंगे, उसके बाद आप इस पे काम करो वापस से सोलो हटा दो, ठीक है? तो डिस्टर्ब नहीं करते हैं बाकी ऑब्जेक्ट्स। इसके बाद आपके पास यहाँ पे कुछ कलर्स हैं, अगर आप किसी भी कलर पे क्लिक करते हो लेयर को हाईलाइट कर देगा। जैसे आपको याद रखना है कि ये मेरे पास कुछ लेयर है इसमें काम करना है, या फिर आपको टेक्स्ट के लिए अलग कलर चाहिए, आपको बाद में काम करने में ईजी हो, तो आप यहाँ से लेयर्स का कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है? कोई भी कलर रख लो अपने अकॉर्डिंग, ग्रीन, ब्लू, येलो, वायलेट, कुछ भी रख सकते हो, नो कलर, कोई कलर नहीं रहेगा। वो लेयर का काम है, वो लेयर का कलर है। अब जैसे ये ऑब्जेक्ट है मेरे को, इस पर मुझे बाद में काम करना है, मैंने इसको रेड कर दिया, अब मुझे दिखता रहेगा कि इस लेयर पे जो भी ऑब्जेक्ट है मुझे इस पे बाद में काम करना है, तो ये हम लोग इस पे काम नहीं कर रहे हैं, ये हम लोग सिर्फ इस कैटेगरी पे काम कर रहे हैं लेयर पे, तो लेयर को हाईलाइट कर दिया। अभी सपोज यहाँ पे आपके पास 4 चीज़ें रखी हुई है, ठीक है? स्टिकी नोट्स आते हैं ना, स्टिकी नोट की तरह ये, कि आपने स्टिकी नोट लगा दिया, मतलब ये इस लेयर पे आपने कुछ लिख के रखा है कि आपको काम करना है, तो ये आपका इस लेयर पे ये हाईलाइट कर दिया, अब आप इस लेयर को बाद में समझ सकते हो, ठीक है?
कि ये लेयर थी मेरे पास, इसमें ये करना है मेरे को, तो आप कलर करोगे, ये आप कर सकते हो। यहाँ पे तभी कलर आएगा जब आप ऑल्ट एंड बैक स्पेस करोगे, ठीक है, वैसे कलर नहीं फिल करेगा कभी भी। तो इस तरह से आप ये कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट आपके पास आएगा कि लेयर वन ये आया, ये जैसे आप राइट क्लिक करने पे ये हो गया है। अभी आते हैं नाम पे, अगर आप नाम पे राइट क्लिक कर रहे हो तो आपके पास ये ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। सारे ऑप्शंस अभी नहीं देखेंगे, सबसे पहले तो ये लास्ट में कलर आ रहा है, सेम कलर है जो वहाँ पे था, ये कलर आपका तीनों जगह सेम होता है। इसके बाद राइट क्लिक किया, यहाँ पे डुप्लीकेट लेयर डिलीट लेयर, अगर यहाँ से आप डुप्लीकेट करते हो ये सेम लेयर को डुप्लीकेट कर देगा और ये पोजिशन भी सेम रखेगा, ठीक है। ऑल्ट के साथ करते हो तो आप पोजिशन अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, डुप्लीकेट करोगे तो सेम प्लेस पे डुप्लीकेट कर देगा जैसे उसके ऊपर, ठीक है। तो ये होता है डुप्लीकेट लेयर। डिलीट लेयर, डिलीट लेयर करोगे ये आपको नहीं चाहिए, आप डिलीट कर दो, डिलीट हो गए, ठीक है। डिलीट का ऑप्शन यहाँ से भी है, आप लेयर सेलेक्ट करके यहाँ से भी डिलीट कर सकते हो, वो भी डिलीट कर दो, ठीक है। तो ये आपका था लेयर का जहाँ पे नाम लिखा हुआ है वो, बाकी ऑप्शंस बाद में देखते हैं। नेक्स्ट आता है थंबनेल, थंबनेल पे राइट क्लिक करके यहाँ पे भी वही ऑप्शंस आ रहे हैं जो कलर के हैं, आप क्लिक करा कलर हो गया, तो कलर के ऑप्शन तीनों जगह सेम ही आएंगे, ठीक है। अब जैसे इस पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आपके पास थंबनेल्स के ऑप्शन आएंगे, नो थंबनेल, कोई थंबनेल नहीं चाहिए मेरे को, लार्ज थंबनेल, लार्ज थंबनेल चाहिए, ये जो थंबनेल मतलब होता है एक प्रीव्यू छोटा। तो जैसे यहाँ पे फोटोज हैं, ये देख रहे हो, ये फोटो दिखाई पड़ रही है छोटी छोटी, ये थंबनेल है इसका, तो इसको आप खोल के समझ सकते हो कि जल्दी से कौन सी जगह क्या है। तो राइट क्लिक, कैसा थंबनेल चाहिए, मीडियम चाहिए, स्मॉल, बाय डिफॉल्ट आपका स्मॉल होता है, नहीं चाहिए तो आप इसको हटा दो, प्रीव्यू हटा दिया उसका, ठीक है। इसको हम लोग स्मॉल ही रखते हैं, अगर कभी कभी होता है ना लैपटॉप्स में स्क्रीन छोटी होती है तब आप उसको मीडियम या लार्ज कर सकते हो अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है देखने में, ठीक है। स्मॉल थंबनेल ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे अगर आप जैसे अभी कलर मुझे चेंज करना है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का मुझे कलर चेंज करना है, सबसे पहले मुझे ये लेयर सिलेक्ट करनी पड़ेगी इस ऑब्जेक्ट की, तो कंट्रोल राइट क्लिक लेयर नंबर वन, ये मेरे लेयर सिलेक्ट करनी। अच्छा, मैं अगर कलर करूंगा यहाँ पे ऑल्ट बैक स्पेस से तो कहाँ पे कलर करेगा, मेन कलर कहाँ करता है, जहाँ पे सिलेक्शन होता है। अभी मेरे पास सिलेक्शन नहीं है तो ये पूरे में कलर करेगा, समझ में आया। तो आपको इस ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना हुआ है लेकिन सिलेक्शन नहीं बना है, तो ये पूरे में कलर फिल करेगा पूरे में, ठीक है। हम लोग को लेकिन इस ऑब्जेक्ट का कलर चेंज करना है, तो उसके लिए मुझे ये ऑब्जेक्ट वापस से सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने मार्की टूल लिया और क्लिक करके ड्रैग कर दिया, ये मेरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया, ठीक है। लेकिन ये स्नैप नहीं करता है, ठीक है। तो अगर आप इसको जूम करोगे ना, देखना कहीं ना कहीं से आपका सिलेक्शन ये मिसमैच होगा, हाँ, क्योंकि तो स्नैप नहीं कर रहा है, कितना जूम करके बनाओगे, ठीक है। तो हम लोग के पास एक ऑप्शन होता है, अगर आप इसको सोलो करते हो ना लेयर को, यहाँ पे देखना आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, बाकी हाइड है, मतलब इस लेयर में जो पिक्सल्स हैं वो सिर्फ यहाँ पे हैं, ठीक है। ये भी इसलिए भी हम लोग लेयर पे काम करते हैं। यहाँ पे क्या है, अगर आप थंबनेल पे राइट क्लिक करते हो, यहाँ पे आता है सिलेक्ट पिक्सल्स, आपके लेयर में जहाँ भी पिक्सल्स होंगे सबको सिलेक्ट कर लेगा। ऑल्ट एंड बैक स्पेस, ये प्रॉपरली देखो हर एक पिक्सल सिलेक्ट कर रहा है, तो ऑल्ट एंड बैक स्पेस किया, इसने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, कलर कर दिया, और राइट क्लिक करके फिर डीसिलेक्ट कर लेना, समझ में आया। डीसिलेक्ट, डीसिलेक्ट करना जरूरी होता है, आपको मैन्युअली डीसिलेक्ट करना पड़ेगा जैसे मैंने बोला। हाँ, थंबनेल पे, लेयर के थंबनेल पे राइट क्लिक, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, थंबनेल पे राइट क्लिक करना है कि नाम पे राइट क्लिक करना है, क्योंकि हर एक जगह पे अलग अलग ऑप्शन आते हैं। हाँ, वो प्रैक्टिस करोगे तभी समझ में आएगा कहाँ पे, बिल्कुल। अभी देखना जैसे इसका कलर चेंज करना है, वैसे ही कंट्रोल के साथ राइट क्लिक, लेयर वन कॉपी टू सिलेक्ट किया, ये वाला राइट क्लिक किया, सेलेक्ट पिक्सल्स किया, कलर पे किया, फिल किया, राइट क्लिक किया, डी सिलेक्ट किया, ठीक है। यही हमें करना है, करते हैं, इस पे गए, राइट क्लिक, सेलेक्ट पिक्सल्स, कलर सिलेक्ट किया, ऑल्ट एंड बैक स्पेस किया, एंड डी सिलेक्ट किया, फिर इस पे गए, ये हो गया है ऑलरेडी, इस पे गए, राइट क्लिक, सेलेक्ट पिक्सल्स, कलर चेंज किया, ऑल्ट बैक स्पेस किया, ऑल्ट बैक स्पेस से फोरग्राउंड वाला कलर चेंज होगा, फिर डिसलेक्ट किया, ये हो गया। फिर लास्ट ऑब्जेक्ट राइट क्लिक, सिलेक्ट पिक्सल्स, कलर फिल और डिसलेक्ट, ठीक है, ये हमने सब पे कर दिया। अभी सपोज मुझे इसका रीनेम करना है हर एक ऑब्जेक्ट का, ताकि मैं बाद में भी समझ सकूँ कि कौन सा ऑब्जेक्ट क्या है। रीनेम करने के लिए जस्ट नाम पे आप डबल क्लिक करो, ये रीनेम करने के लिए आ जाएगा, और इसको जैसे मैंने रेड कर दिया, ये ऑब्जेक्ट है ये वाला, इसको मैंने लाइट ब्लू कर दिया, ये ऑब्जेक्ट है डार्क ब्लू,
डार्क ब्लू लिख दिया, फिर इसके बाद ये आया ऑरेंज, ऑरेंज लिख दिया, फिर ये है ब्लैक, ब्लैक लिख दिया, और ये डार्केस्ट ब्लू, तो डीडी ब्लू कर देते हैं इसको। तो ये आपका अलग अलग नाम आप रीनेम कर सकते हो, जिससे आपको हेल्प मिलती है अगर आपके पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं तो उनको समझने में, ठीक है। तो ये हम लोग की लेयर्स हो गई, और यहाँ पे नाम, थंबनेल और आई, सब पे राइट क्लिक करने पे अलग ऑप्शंस आएंगे, ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, अभी मुझे इनको अलाइन करना है, अलाइन मतलब एक लाइन में रखना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप मूव टूल पे क्लिक करते हो, मूव टूल सिलेक्ट करना पड़ेगा अलाइन करने के लिए, मूव टूल पे क्लिक किया, यहाँ पे आपका अलाइनमेंट और डिस्ट्रीब्यूट के ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। दो वर्ड्स हैं, अलाइनमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सबसे पहले आता है अलाइनमेंट, ये अलाइनमेंट है, ये डिस्ट्रीब्यूट है। अलाइनमेंट मतलब होता है एक लाइन में रखना है, जैसे ये इधर उधर 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 भाग रहे हैं, एक लाइन में मुझे रखना है तो अलाइन करना होगा। डिस्ट्रीब्यूट मतलब होता है कि आपको जैसे ये दो ऑब्जेक्ट के बीच में और इसके बीच में स्पेसिंग सेम करना है, वो डिस्ट्रीब्यूट से होता है। अभी देखो दोनों हाइड है, दोनों ऑप्शन में कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि अलाइन करने के लिए मुझे मिनिमम टू लेयर सेलेक्ट करनी पड़ेंगी ताकि उन दोनों को मैं अलाइन कर सकूँ आपस में। तो अगर आप मिनिमम टू लेयर सेलेक्ट करते हो, यहाँ पे अलाइनमेंट के ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। और स्पेसिंग सेम करने के लिए आपको इसके बीच की और इसके बीच की, मतलब थ्री ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट करने होंगे तभी आपका डिस्ट्रीब्यूशन खुलेगा, ठीक है। तीन के बिना डिस्ट्रीब्यूट हो ही नहीं सकता ना, स्पेसिंग कैसे सेम करोगे। अभी मल्टीपल लेयर सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्रेस करके आप मल्टीपल लेयर सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और अगर पूरी रेंज सेलेक्ट करनी है तो आप फर्स्ट लेयर या लास्ट लेयर पे क्लिक करो, शिफ्ट प्रेस करो, और जिस साइड, जैसे मैंने लास्ट फर्स्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे लास्ट लेयर पे आप शिफ्ट प्रेस करके क्लिक कर दो, बीच के सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। सारे सेलेक्ट हो गए, देन यहाँ पे अलाइनमेंट, ये टॉप एज, मिडिल एज, बॉटम, तो टॉप करोगे सारे ऑब्जेक्ट इसकी टॉप एज पे चले जाएंगे, देन मिडिल, देन बॉटम। ये वर्टिकली था, हॉरिजॉन्टली आता है फिर, एक मिनट, ये हॉरिजॉन्टली, लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, हॉरिजॉन्टल, राइट अलाइन, ये कर सकते हो। अभी ये मैंने यहाँ पे कर दिया, अभी सबके बीच की स्पेसिंग कम ज़्यादा है ना, ये सेम करना है, तो डिस्ट्रीब्यूशन पे क्लिक किया, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, समझ में आया। तो जैसे वो म्यूजिक प्लेयर्स वगैरह में होती है लाइन्स ऐसे ऐसे ऐसे, तो वो सब बनाने के लिए बार कोडिंग में ऐसे कर सकते हो, तो वो चीज़ आप यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। जैसे बार कोड बनाने के लिए अलग ऑप्शन आते हैं, बार कोड के लिए ऑनलाइन आप बस बार कोड डेवलपर कुछ ले लो और उसमें अपना इंफॉर्मेशन डालो, बार कोड जनरेट करो, वो बार कोड बना देता है। बार कोड में क्या होता है ना, हर एक लाइन आपकी अलग साइज की भी होती है, तो उसके लिए भी आपको बार कोड में करना पड़ेगा। दिखाता हूँ, देख रहे हो हर एक लाइन अलग साइज की है, इसमें इंफॉर्मेशन रहती है एक्चुअली। तो अगर आप बारकोड स्कैनर से इसको स्कैन करोगे तो उसकी जो भी इंफॉर्मेशन इसके अंदर रखी है वो आपको दिखा देगा, ठीक है। यहाँ पे आपका जैसे बार कोड या क्यूआर कोड आजकल चल रहा है, तो क्यूआर कोड जनरेटर आता है आपका, आपने जनरेटर खोला, ये क्यूआर कोड जनरेटर है, ठीक है। आप इसमें कोई भी वेबसाइट जैसे आपको डालनी है, आप डालो यहाँ पे वेबसाइट, जैसे मेरे को CGS, हाँ जैसे यही तो होता है, प्रोडक्ट्स का आपका क्यूआर कोड रहता है। अब जैसे मैंने क्रिएट क्यूआर कर दिया, ये देख रहे हो ये क्यूआर है, ठीक है। अब लोगो, ये वेबसाइट जो भी आपको डालनी है डालो, आपके फ़ोन में एप्लीकेशंस आती हैं क्यूआर कोड रीडर, ठीक है, ये क्यूआर रीडर होता है। आप इस एप्लीकेशन से इसका क्यूआर जो भी है, पेटीएम में ऐसे ही रहता है, तो खोलोगे तो जो भी मैंने डाला है वो इसमें आ जाएगा, ठीक है। आपके हर एक प्रोडक्ट में, जैसे ये बुक है, ये है, अब इसमें भी ये आ रहा है, तो अगर मैं क्यूआर यहाँ से इसको भी रीड करता हूँ, ये आपका रीड रिजल्ट यहाँ है, इसको मैं वेबसाइट करूँगा तो ये बुक का कंपनी दिखा देगा। तो ये अच्छी चीज़ है क्यूआर रीडर भी, तो उस तरह से आप बस जनरेट कर सकते हो, और ईमेल, टेक्स्ट लिखना है, विजिटिंग कार्ड डालना है, हाँ क्यूआर कोड आ जाएगा। सिर्फ वेबसाइट नहीं, आप फेसबुक लिंक दे सकते हो, SMS, ईमेल, टेक्स्ट लिखना है आपको, नाम पता, विजिटिंग कार्ड पूरा पूरा डालना है, आप वो सब डाल सकते हो। तो कोई भी बंदा आपका ये स्कैन कर रहा है तो आपकी वेबसाइट या फिर आपको पूरी तरह से जो भी इंफॉर्मेशन देना चाहता है, क्यूआर डालो, फिर वेबसाइट पर भेज दो आपके लिए। लोग आजकल विजिटिंग कार्ड में भी क्यूआर डालते हैं,
तो ये तो आराम से हो जाएगा। इसके लिए ना आप फोटोशॉप में नहीं करोगे, ये आपका मतलब वहीं पे होता है, क्योंकि फोटोशॉप पे अगर आप बनाते हो तो उसमें कोई इन्फॉर्मेशन कोडिंग नहीं हो रखी है, तो वो स्कैन करने में कुछ आएगा नहीं, वो तो लाइन चला जाएगा, तो इसीलिए QR कोड आपको वहीं से जनरेट करना पड़ेगा। समझ में आया चीज़ है? तो ये रहता है आपका ये चीज़ सिलेक्शन टूल और मूव टूल। तो ये मेरे पास दो टूल्स हो गए, सिलेक्शन टूल, मार्की टूल और मूव टूल। ठीक है, समझ में आया? कोई रिवाइज तो नहीं चाहिए इसका, कोई रिवीजन तो नहीं चाहिए शुरू से? अच्छा, ये देखो जैसे कंप्यूटर पे होता है, यहाँ से यहाँ तक मुझे सिलेक्ट करना है, तो आप क्या करते हो, कंट्रोल के साथ जो जो सिलेक्ट करना है ये करते हो, पता है ना? ये अगर आपको यहाँ से यहाँ तक सब सिलेक्ट करना है तो क्लिक किया, शिफ्ट प्रेस किया, सिलेक्ट किया, अभी यहाँ से यहाँ तक बीच में जितना भी आ रहा है सब सिलेक्ट करते हो। सेम वैसे यहाँ पे भी होगा, मैंने कुछ बनाया नई लेयर पे, ठीक है, कंप्यूटर वाला काम ही करता है ये, मैंने बहुत सारी लेयर्स ले ली, ठीक है, एक एक कोई कोई लेयर सिलेक्ट करनी, कंट्रोल प्रेस करके मैंने क्लिक क्लिक किया, ये सिलेक्ट कर लिया। आपको सारी सिलेक्ट करनी है, पहली लेयर सिलेक्ट की, लास्ट में जाके शिफ्ट के साथ लास्ट लेयर सिलेक्ट की, रेंज सिलेक्ट कर लेनी। तो जैसे कंप्यूटर में करते हैं हम लोग फोटोग्राफ सिलेक्ट करने के लिए, वही चीज़ यहाँ पे करते हैं, तो मुश्किल नहीं है ये चीज़। ये हो गया मेरा मार्की टूल और ये हो गया मेरा मूव टूल। ओके, अच्छा इसके बाद एक चीज़ आता है ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ट्रांसफॉर्म बताऊंगा उसके बाद मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा, ज़्यादा भी लगने लगे ना कि अब ज़्यादा हो रहा है, तो फिर वो भी मेरे को बता देना। ठीक है, अभी जैसे मेरा सबसे पहले मैंने यहाँ पे शेप लिया, एक न्यू लेयर लिया, ऑल्ट एंड बैक स्पेस से कलर फिल कर दिया, ठीक है, ये डिसलेक्ट कर दिया। अभी ये मेरा पास शेप आ गया, ठीक है, मुझे इसको बड़ा करना है, छोटा करना है, रोटेट करना है, ये सब करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं जनरली, यहाँ पे आपका एडिट है, आपको लेयर सेलेक्ट करनी है, जिस लेयर में ऑब्जेक्ट बना हुआ है, एडिट पे क्लिक करना है, यहाँ पे आता है फ्री ट्रांसफॉर्म। ठीक है, कंट्रोल प्लस टी शॉर्टकट है इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कंट्रोल टी से आप प्रेस करो ज़्यादा अच्छा है, ये बार बार एडिट के अंदर जाके ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करना थोड़ा सा मुश्किल है, यहाँ पे टाइम टेकन होगा। ठीक है, एडिट देन फ्री ट्रांसफॉर्म, फ्री ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करते हैं आपके पास ना ये चारों तरफ कुछ कुछ पॉइंट्स आ जाएंगे, देखो बॉक्स में एक बन गया ये अंदर ही। ठीक है, ये जो बॉक्स है ना इसमें एक तो फोर कॉर्नर्स पे 4 पॉइंट्स होंगे और कॉर्नर्स के मिड में 4 पॉइंट्स होंगे। ठीक है, अगर आप मिड वाले पॉइंट को क्लिक करके ड्रैग करते हो तो ये आप वेट पे ऐसे काम कर सकते हो, हाइट पे भी ऐसे काम कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने इसको यहाँ तक रख लिया, कॉर्नर पकड़ के अगर आप छोटा बड़ा कर रहे हो तो वेट हाइट दोनों पे साथ में काम करेगा। ठीक है, लेकिन ये प्रपोर्शन में नहीं कर रहा है, अगर आप छोटा कर रहे हो देखो वेट में अलग से काम कर रहा है, हाइट में अलग से काम कर रहा है, प्रपोर्शन के लिए शिफ्ट के साथ, तो ये प्रपोर्शन वाइज इसको सेम प्रपोर्शन में बड़ा या छोटा करेगा। प्रपोर्शन समझ में आया ना? तो प्रपोर्शन पे ही करना है, क्योंकि जैसे ये पैर है, ठीक है, अब सपोज मैंने ये लिया, ओके, कंट्रोल टी, ये ट्रांसफॉर्म में करूँगा ना, अगर मैं इसको प्रपोर्शन के बिना करूँगा ये स्ट्रेच स्क्वीज हो सकता है। ठीक है, शिफ्ट के साथ करोगे छोटा बड़ा जहाँ पे भी लगाना है अपने प्रपोर्शन में ही छोटा बड़ा होगा, आप लोगों की तरह से यूज कर सकते हो, तो हमेशा शिफ्ट के साथ काम करना है। देन ये बनाया मैंने एडिट, देन फ्री ट्रांसफॉर्म पे क्लिक किया। ठीक है, अभी कॉर्नर के साथ शिफ्ट के साथ बड़ा छोटा ये मैंने बता दिया। देन आएगा ये स्केलिंग के लिए होता है, अगर आप इसके थोड़ा सा आगे जाओगे ना, यहाँ पे देखो आइकन चेंज हुआ कुछ, थोड़ा सा ऐसे रोटेशन में आ गया, आप क्लिक करो ड्रैग करो ये रोटेट करेगा, समझ में आया? तो ये रोटेशन या फिर स्केलिंग आप ट्रांसफॉर्म से कर सकते हो। अच्छा, एक चीज़ होता है यहाँ पे बीच में देख रहे हो, ये एक एंकर पॉइंट है, इसको पिवट बोलते हैं, एंकर पॉइंट बोलते हैं, ये सेंटर पॉइंट बोल सकते हो, अगर आप इसको रोटेट कर रहे हो ना सेंटर से रोटेट हो रहा है, मतलब अगर मैं जैसे ये माउस ये मैंने पकड़ा हुआ रिमोट, ये मैंने सेंटर पकड़ा, ये सेंटर से रोटेट होगा, अगर मैं इसको यहाँ से पकड़ूंगा ना ये यहाँ से रोटेट होगा, देखो। तो ये चीज़ बिना आपका यही होता है, ये आपका कंपस जैसे होता है ना, जहाँ पे सेंटर रखा वहीं से होगा, यहाँ पे भी वही है, ये सेंटर में है तो सेंटर से होगा, अगर आपको सपोज यहाँ से करना है, इसको उठा के मैंने यहाँ पे रखा, समझ में आया? अभी इसको उठा के मैंने यहाँ पे रखा इस कॉर्नर पे, ठीक है, तो इस तरह से आपका ये अलग अलग जगह से आप रोटेशन कर सकते हो। ओके, ये था आपका फ्री ट्रांसफॉर्म। अभी जैसे मैंने फ्री ट्रांसफॉर्म फिर से लिया, फ्री ट्रांसफॉर्म, और अगर आप राइट क्लिक करते हो ना तो यहाँ पे ये ऑप्शन आता है। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है स्केल, स्केल पे क्लिक किया, स्केलिंग होगा वैसे ही सेम, रोटेशन नहीं होगा, रोटेट पे क्लिक करोगे रोटेट होगा, स्केलिंग नहीं होगा, फ्री ट्रांसफॉर्म में दोनों साथ में हो रहे हैं।
देन आएगा स्क्यू। स्क्यू में आप एक पॉइंट को एडिट कर सकते हो, ओके, कहीं भी ऊपर नीचे जैसे भी करना है कर सकते हो। राइट क्लिक, डिस्टॉर्ट, डिस्टॉर्ट में भी आप पॉइंट को एडिट कर सकते हो, ठीक है। दोनों में एक डिफरेंस था छोटा सा, स्क्यू सिर्फ अपनी एक्सिस, अपनी लाइन पे ही काम कर रहा है, ठीक है। अगर आप इसको डायगनल ले जाओगे नहीं जाएगा, डिस्टॉर्ट में आप इसको कहीं भी ले जा सकते हो, तो ये डिफरेंस रहता है। देन पर्सपेक्टिव में आपका पैरेलल लाइंस पे काम करता है, वो था ना ट्रेन की पटरी ऐसे पर्सपेक्टिव में दिखाई पड़ती है, पैरेलल लाइन में। तो पर्सपेक्टिव क्लिक करके पैरेलल लाइन पे काम करता है, मतलब जो भी आप पॉइंट पे काम करोगे उसका पैरेलल पॉइंट अपने आप ही काम करने लगेगा, ठीक है। देन ये सब हो गया, ठीक है। वो नीचे वाले मैं बताता हूँ अभी, ये आपका हो गया ट्रांसफॉर्म, समझ में आया। अभी मैं काम करूंगा इसमें, इमेज ड्रैग करके दिखाऊंगा आपको, इमेज कैसे ओपन करते हैं फोटोशॉप में, वो चीज। अच्छा, कोई भी इमेज मैंने ली, फोटोशॉप में आप ऐसे ड्रैग कर सकते हो, फोटोशॉप खोला, आप यहाँ पे ड्रैग कर सकते हो, ठीक है। इसमें क्या था, आपने क्लिक किया, क्लिक मत छोड़ना, फोटोशॉप पे गए, ये फोटोशॉप खुला, आप यहाँ पे ड्रैग कर सकते हो या फिर बाहर ड्रैग कर सकते हो, ठीक है। क्लिक किया, ये बाहर आपका अलग से कैनवस पे खुल गया। आप फाइल को जाके ओपन भी कर सकते हो, ओपन किया, किसी भी इमेज पे डबल क्लिक किया, ये आपका खुल गया, ठीक है। आप एक और काम कर सकते हो कि जब आप ड्रैग कर रहे हो ना, तो आप डायरेक्टली कैनवस के ऊपर ड्रैग कर सकते हो। अगर आप डायरेक्टली कैनवस के ऊपर ड्रैग करोगे तो सेम कैनवस में इसकी एक अलग लेयर बन के इमेज खुल जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आपने ऐसे किया है, आपने डायरेक्टली ड्रैग किया है कैनवस के ऊपर, तो आप इसको एडिट नहीं कर सकते हो, ना ही आप कलर फिल कर सकते हो, ना ही आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है। डिलीट क्या आएगा, कुछ नहीं कर सकते। ये क्यों नहीं कर सकते, ये एरर दे रहा है, कुड नॉट कंप्लीट योर रिक्वेस्ट बिकॉज द स्मार्ट ऑब्जेक्ट इज नॉट डायरेक्टली एडिटेबल, ठीक है। क्योंकि एज ए स्मार्ट ऑब्जेक्ट आता है, जब भी आप इमेज को किसी कैनवस पे डायरेक्टली ड्रैग करते हो तो वो एज ए स्मार्ट ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पे देखिए थंबनेल लगा है, ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट थंबनेल है, ठीक है। अभी स्मार्ट ऑब्जेक्ट थंबनेल में आप डायरेक्टली एडिट नहीं कर सकते, तो आपको अगर इसको एडिट भी करना है, करना ही एडिट, तो आप इसके नाम पे राइट क्लिक करो और यहाँ पे रास्टराइज लेयर आता है, रास्टराइज लेयर, राइट क्लिक, रास्टराइज लेयर। आप रास्टराइज लेयर पे क्लिक करो और ये आपका थंबनेल का आइकन हटा देगा, उसके बाद आप सिलेक्ट करो, देन आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है। और बाय चांस आपको कलर करना है तो आप कलर भी कर सकते हो, ठीक है। तो एडिट कर सकते हो मतलब, तो ये तभी चीज होगी जब आपने डायरेक्टली कैनवस पे ड्रैग किया। तो ये आपको सोचना है कि आपको डायरेक्टली कैनवस पे चाहिए थी कि आपको अलग से खोलना है। अगर अलग से काम करना है तो अलग से खोलो, अगर आपको सेम कैनवस पे काम करना है तो आप सेम कैनवस पे खोल के उसको रास्टराइज कर सकते हो, ठीक है। अभी जैसे मैंने ये लेयर डिलीट कर दी, अभी मैं एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ ट्रांसफॉर्म का। पहले सपोज मेरे पास एक इमेज है यहाँ पे, ये इसको मैंने खोला फोटोशॉप में, मैं अलग से खोल रहा हूँ फिलहाल, यहाँ पे अलग से खोला, ठीक है। अब मुझे ये इमेज इस कैनवस पे चाहिए, आप ऐसे भी ला सकते हो कि इसको उठाओ, मूव टूल लो या कंट्रोल प्रेस करो और इसको ड्रैग करके यहाँ पे ले आओ, आप ऐसे भी ड्रैग कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो मेरा इमेज है ना, ये लैंडस्केप है और मेरा कैनवस पोर्ट्रेट है, ये हॉरिजॉन्टल लैंडस्केप होता है, पोर्ट्रेट भी होता है, तो आपको इसको रोटेट करना है, तो इसको लैंडस्केप में कन्वर्ट करना है। तो आप अपने कैनवस पे क्लिक करो, एडिट पे जाओ, ठीक है, यहाँ सॉरी इमेज पे जाओ, इमेज पे जाके आता है इमेज रोटेशन। इमेज रोटेशन में 90 डिग्री क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज, 180 डिग्री कैसे भी आप घुमा सकते हो। अब मैंने इसको बोला 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जा, तो ये लैंडस्केप हो गया। अब ये ना ऐसे डॉक रहती है दोनों चीज़ें, मतलब तो जितने भी कैनवास खोलोगे सब डॉक रहेंगे। आप इसको क्लिक करके नीचे ड्रैग करो, अनडॉक हो जाएगा और फिर आप इसको मूव टूल से उठा के यहाँ पे ड्रैग करो, समझ में आया। डॉक, डॉक डॉक मतलब उसी पे अटैच रहता है ये। अब मुझे अटैच नहीं, मुझे दोनों साथ में देखना है, तो इसको क्लिक करके बाहर ड्रैग करो, ये अनडॉक हो जाएगा, ये अनडॉक हो गया। और फिर मूव टूल से मैंने ड्रैग किया और मुझे ये नहीं चाहिए अपनी इमेज, तो मैंने इसको बंद कर दिया। अब देखो मेरे पास यहाँ पे ये एक वॉल भी आ गई। ट्रांसफॉर्म लेते हैं, एडिट देन फ्री ट्रांसफॉर्म। अब इसको मैंने यहाँ से छोटा किया ऐसे, ठीक है, जैसे भी आपको चाहिए। राइट क्लिक, यहाँ पे मैंने पर्सपेक्टिव लिया। अब पर्सपेक्टिव से अगर आप इसको ड्रैग करते हो, देख रहे हो वॉल का लुक आपके पास आ जाएगा। समझ में, जितना भी इसको छोटा बड़ा करना है फ्री ट्रांसफॉर्म, आप ऐसे छोटा करो,
और दूर तक ले जाना है, आप पर्सपेक्टिव ले लो, ये देख रहे हो एक गैलरी टाइप का लुक आ गया। सेम वॉल मुझे यहाँ भी चाहिए ताकि प्रॉपर गैलरी दिखे, तो मैंने क्या किया, मूव टूल के साथ ऑल्ट प्रेस किया, बताया था मैंने, क्लिक एंड ड्रैग किया इस तरफ, ये मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। फिर मैंने एडिट देन फ्री ट्रांसफॉर्म पे क्लिक किया, फिर राइट क्लिक किया और यहाँ पे किया फ्लिप हॉरिजॉन्टल, ये आपका फ्लिप हो गया हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब मुझे ऊपर नीचे भी चाहिए फ्लोर और रूफ, तो एक और इमेज लिया, अब मैं डायरेक्टली इसमें लेके आता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मुझे इसी पे काम करना है, तो डायरेक्टली यहाँ पे लेके आया, एंटर प्रेस किया, ये आ गया, राइट क्लिक करके रास्टराइज लेयर कर दिया, ठीक है। ट्रांसफॉर्म, फ्री ट्रांसफॉर्म पे गए, इसको हमने नीचे किया, इस तरह से छोटा किया, राइट क्लिक, अब मुझे पता है कि कॉर्नर्स कहाँ कहाँ रखना है, तो आप यहाँ पे डिस्टॉर्ट ले सकते हो, डिस्टॉर्ट से हम लोग कॉर्नर्स पे काम करते हैं ना, इसको यहाँ पे रखा, हाँ इसको यहाँ पे रखा, तो उसका जो कॉर्नर है ना उसमें हिसाब से रखना है मेरे को, तो पर्सपेक्टिव में हो सकता है इधर उधर जाए, तो यहाँ पे मैंने कॉर्नर सेट किया, थोड़ा जूम करके देख भी लो कि प्रॉपरली एडजस्ट हो रहा है, जैसे ये थोड़ा गैप है तो इसको भी मैंने यहाँ पे कर लिया, देन यहाँ पे भी थोड़ा सा क्लिक करके ड्रैग कर दिया, ये आ गया, फिर हमने किया एंटर, ये आ गया। अब मुझे ऊपर चाहिए, तो इसको भी मैंने उठा के ऐसे ऊपर लेके गया, ठीक है, कंट्रोल प्लस टी या फिर एडिट ट्रांसफॉर्म, राइट क्लिक, अब मुझे ये चीज़ ना ऊपर की तरफ चाहिए, मिरर इमेज चाहिए, तो फ्लिप वर्टिकल कर दिया इस बार, जैसे इसको हॉरिजॉन्टल किया था इसको वर्टिकल कर दिया, एंटर, ओके। और इसमें मैं कोई एक इमेज लेता हूँ, जैसे मेरे पास कुछ कुछ पड़ी होंगी इमेजेस, सपोज ये इमेज ली मैंने और यहाँ पे लाके ड्रैग किया, अब देखो सबसे ऊपर आ रही है, मुझे सबसे नीचे चाहिए ताकि ये उसके होल के बाद दिखाई पड़े, क्या आया, कंट्रोल प्लस टी, इसको छोटा बड़ा करते हैं, कहीं भी रखते हैं इसको, ये आपका समझ में आया, हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा। तो इस तरह से ना आप छोटी छोटी चीज़ों से, अभी मैंने कुछ ज़्यादा टूल्स नहीं बताए हैं फिर भी हम लोग ऐसे कुछ बना सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होता है आपका ट्रांसफॉर्म, क्लियर है ना। न्यू कैनवस ले रहा हूँ मैं फिर से, A4 या जो भी साइज आपको चाहिए आप ले सकते हो, ओके करते हैं, ये हम लोग का नया कैनवस आ गया। नेक्स्ट मेरे पास टूल आता है लॉसो टूल और मैजिक पेन टूल, ये दोनों काम करेंगे। लॉसो टूल के अंदर तीन होंगे, लॉसो टूल, पॉलीगॉन लॉसो टूल, मैग्नेटिक लॉसो टूल, ठीक है। जनरली ये भी सिलेक्शन के लिए काम आता है। अब जैसे कि मेरे पास कोई इमेज है, सपोज मेरे पास है डाउनलोडेड इमेज कुछ एग्जाम्पल्स के लिए, जैसे कि मेरे पास ये पिरामिड है, इस पिरामिड को मैंने खोला यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे इसका स्काई हटा के इस पे मुझे सपोज ये वाला स्काई लगाना है, ठीक है, दोनों इमेजेस ले लेते हैं, अलग से ही ले लेंगे, यहाँ पे अलग से कैनवस खोलने के लिए ऊपर ड्रैग करना है, मुझे याद रखना, ड्रैग किया ये आ गया, ठीक है। अब मुझे ये स्काई चाहिए इस स्काई की जगह पे, लेकिन ये रेक्टेंगल और स्क्वायर जो सिलेक्ट नहीं हो सकता है, अगर मैं सिलेक्ट करूँगा पूरा पिरामिड आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये टूल्स आते हैं, ये कस्टम शेप्स के होते हैं, जैसे मेरे पास सबसे पहले आता है लॉसो टूल, लॉसो टूल से आप क्लिक एंड ड्रैग करोगे ये आपका फ्री हैंड शेप बनाएगा, ठीक है। अगर आपका हाथ इतना सेट है कि आप प्रॉपरली इसको ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो, बहुत टाइम लगता है ऐसे सेट करने में कि आप ऐसे सिलेक्ट कर पाओ प्रॉपरली, ठीक है, ये तो अभी फिलहाल थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो लॉसो टूल आप क्लाउड्स वगैरह बनाने के लिए या फिर फ्री हैंड कोई पार्ट आपको सिलेक्ट करना है उसके लिए यूज़ कर सकते हो। फिलहाल आपके पास यहाँ पे आता है पॉलीगॉन लॉसो टूल, पॉलीगॉन लॉसो टूल आपका लाइन में सिलेक्ट करता है, अगर आपको कोई ऐसी इमेज चाहिए जिसमें लाइन्स लाइन्स हो जैसे यहाँ पे है, तो आप पॉलीगॉन से कर सकते हो, ठीक है। करना क्या है आपको, यहाँ से शुरू करना है, मैंने क्लिक किया ये आपकी लाइन आई, अब मैंने इसमें यहाँ पे क्लिक किया ये लाइन यहाँ पे आई, फिर क्लिक किया देख लो लाइन बनती जा रही है, फिर यहाँ पे क्लिक करके क्लिक क्लिक करोगे ना ये लाइन अपने आप ही क्रिएट करता रहेगा, देख रहे हो इस तरह से आप लाइन क्रिएट कर सकते हो। और जैसे मैंने इतना पोर्शन सिलेक्ट कर लिया, ऑल्ट बैकस्पेस, ये देखो इतना पोर्शन में आप कलर कर लिया, ठीक है। लेकिन इससे भी अच्छा एक टूल है, अगर यहाँ पे कलर सिंगल कलर है या फिर थोड़ा बहुत मिलता जुलता कलर है ना, सबसे बेस्ट टूल आता है मैजिक बैंड टूल। मैजिक बैंड टूल लिया, यहाँ पे क्लिक किया, ये पर्टिकुलरली सिंगल कलर को सिलेक्ट कर लेगा। अब देखो इसने सिलेक्ट किया इतना पोर्शन, लेकिन मुझे ये भी सिलेक्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, ऐड टू सिलेक्शन, यहाँ पे भी चारों हैं, ऐड टू सिलेक्शन किया,
और जो जो नहीं है ना सिलेक्शन में उन सबको मैंने ऐड कर दिया, पूरा सिलेक्ट हो गया प्रॉपरली। और फिर मुझे डिलीट करना है, तो डिलीट अगर आप प्रेस करोगे तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि जब भी आप कोई नया कैनवस लेके आते हो इमेज, या फिर आप खुद से कोई कैनवस बनाते हो, तो फर्स्ट लेयर जो होती है ना लॉक रहती है, ठीक है, तो आप जस्ट डबल क्लिक करके इसको अनलॉक कर लो। ओके, ये अनलॉक हो गई, एंड देन आप डिलीट प्रेस करो कीबोर्ड पे, आपकी इमेज में से उतना पार्ट डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अभी मुझे ये वाला स्काई इस पे लेके आना है, तो इस स्काई को मूव टूल से मैंने सिलेक्ट किया, ड्रैग किया, इसको बंद करते हैं, ये आ गया। अब स्काई तो बहुत छोटा है, बड़ा करना है, तो एडिट देन री ट्रांसफॉर्म, जो जो चीज़ें मैंने अभी तक बता दी ना वही यूज़ करेंगे। यहाँ तक लेके आए, इस लेयर को नीचे कर दिया ताकि पिरामिड ऊपर दिखाई पड़े, क्लियर हुआ। तो इस तरह से आप ये चीज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट आते हैं, मुझे यहाँ पे कप चाहिए पिरामिड में, यहाँ पे पीछे ये वाइड है, ठीक है, आप मैजिक वैंड से क्लिक करो, सॉरी मैजिक वैंड से क्लिक किया, ये वाइड वाइड सिलेक्ट किया, ये पोर्शन नहीं सिलेक्ट हुआ है, तो मैंने क्या किया, ऐड टू सिलेक्शन किया, ये पोर्शन भी सिलेक्ट किया, ठीक है, डबल क्लिक करके अनलॉक किया, डिलीट किया, ये डिलीट हो गया, राइट क्लिक डीसेलेक्ट कर दिया, ये डीसेलेक्ट, और फिर इसको उठा के हम लोग यहाँ पे लेके आ गए, ठीक है। अब मुझे चाहिए कि कप ना यहाँ पे कहीं पड़ा हुआ हो, यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे, कप को पहले तो ऊपर रखना है क्योंकि यहाँ चाहिए, फिर छोटा करना है तो एडिट के बाद फ्री ट्रांसफॉर्म और शिफ्ट के साथ, याद रखना शिफ्ट के साथ ही छोटा करना है, इसको मैंने यहाँ पे कहीं रखा और इसको ऐसे कुछ रखते हैं, ठीक है। देन मुझे ऐसा कुछ दिखाना है कि मिट्टी के अंदर घुसा हुआ है, तो यहाँ पे मुझे फ्री हैंड सिलेक्ट करना है, अगर आप इससे मैजिक ये मार्की टूल से सिलेक्ट करके डिलीट करोगे ना, तो ये स्ट्रेट लाइन में सिलेक्ट होगा, तो ये थोड़ा सा ना अजीब लगता है, तो हमने क्या किया, लॉसो टूल लिया, लॉसो टूल से क्या होता है, फ्री हैंड आप सिलेक्ट कर सकते हो, टेढ़ा मेढ़ा सा ये सिलेक्ट किया और डिलीट प्रेस किया, एडजस्ट कर लो जैसा भी है, जितना भी पार्ट नहीं चाहिए उसको लॉसो टूल से फ्री हैंड सिलेक्ट करोगे ना, तो देखो रफ एजेस आएंगी, यहाँ पे देखो रफ आ रही है, ये यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। इसके बाद मेरे पास एक और इमेज है, ये मिनियंस, मिनियंस में लेके आया यहाँ पे, अब मुझे वाइट नहीं चाहिए, तो यहाँ पे मैजिक बैंड सेम कलर है, तो मैजिक बैंड सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट हो गया, पर देखना ये पार्ट सिलेक्ट नहीं कर पाया मैजिक बैंड, क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि थोड़ा सा अलग शेड आ रहा है, तो फिर से ऐड टू सिलेक्ट की और फिर से क्लिक 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 क्लिक, मतलब जो भी हमें पार्ट ऐड करना है सिलेक्शन में, तो मैनुअली ऐड करता जा रहा हूँ, हो गया। देन डबल क्लिक, अनलॉक किया इसको, डिलीट किया, डिलीट हो गया, देन पूरी इमेज उठा के हम लोग यहाँ पे लेके आते हैं, ठीक है, सो यहाँ पे रखा, फिर से छोटा करना है इनको भी, फ्री ट्रांसफॉर्म जैसे भी, मतलब एक सीन बनाना है, कोई रियलिस्टिक नहीं है लेकिन बस सीन बनाना है, तो यहाँ पे ये इनको रख, समझ में आया। अच्छा, एक चीज होता है मैजिक वैंड में, मैजिक वैंड जिसमें ये जो टूल है जिससे सिंगल कलर सेलेक्ट करते हैं, तो मैजिक वैंड में क्या होता है कि जैसे ये पेड़ भी लगाना है मुझे रेगिस्तान में, मैंने इसको लिया यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, कंट्रोल प्लस टी, आप इसको बड़ा छोटा कर लो जैसे भी है। अच्छा, मुझे सिर्फ पेड़ पेड़ चाहिए, मुझे ना नीचे का चाहिए ऊपर नहीं चाहिए, तो जैसे मार्की टूल से मैंने सिलेक्ट किया, कोई भी टूल आप यूज कर सकते हो सिलेक्शन में आने के लिए, डिलीट प्रेस करो, लेयर सिलेक्टेड होगी तभी डिलीट होगा, डिलीट कर दिया, मुझे व्हाइट पार्ट नहीं चाहिए, मैजिक वैंड से कर सकते हैं, मैजिक वैंड लिया, व्हाइट पार्ट पे क्लिक किया, व्हाइट पार्ट सिलेक्ट हो गया, डिलीट प्रेस किया, डिलीट हो गया, प्रॉब्लम देख रहे हो, ये बच गया है, ठीक है, ये क्यों बच गया, क्योंकि जितना मैंने सिलेक्ट किया था ना ये सब कंटिन्यूटी में था, एक साथ जा रहा है, और जो अंदर पार्ट है ना ये कंटिन्यूटी नहीं है, यहाँ पे देख रहे हो ये पार्ट कंटिन्यूटी नहीं है, एक अलग हो गया, ये पार्ट अलग हो गया यहाँ से, ठीक है। तो अगर आपको ऐसी इमेज मिलती है जिसमें आपको पूरा सिलेक्ट करना है और विदाउट कंटिन्यूटी भी सारा पूरी इमेज में से वाइट सिलेक्ट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन होगा कॉन्टिन्यूअस, आप इसको ऑफ करो देन क्लिक करो, अब देखो सब सिलेक्ट कर लिया, देन डिलीट, और इसको हमने कहीं भी कैसे भी रख लिया, ये हम लोग की इमेज में आ गया, ठीक है। तो ये कॉन्टिग्यूअस, कॉन्टिग्यूअस मतलब कंटिन्यूटी में रखेगा, ठीक है। एक एग्जांपल और देखना इसका, अब जैसे ये इमेज है, आपको देखना पड़ेगा कि कॉन्टिग्यूअस ऑन चाहिए कि ऑफ चाहिए, ठीक है। इस इमेज में अगर आप कॉन्टिग्यूअस मैंने ऑन रखा हुआ है तो ये नॉर्मल जैसे लास्ट टाइम किया था वही आएगा, ठीक है।
इस इमेज में अगर आप कॉन्टिग्यूस ऑफ रखते हो तो ये क्या करेगा, कंटिन्यूटी के विदाउट कंटिन्यूटी की सब जगह सिलेक्ट करेगा, तो क्या होगा इसकी आई, इसके कपड़ों में वाइट 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 वाइट, इसके दांत सब सिलेक्ट कर लिया और डिलीट करोगे ये सब चीज़ें डिलीट कर देगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कॉन्टिग्यूस कौन सी इमेज में ऑन रखना है, कौन सी में ऑफ रखना है। जनरली ऑन कहाँ पे रखना होता है, जैसे ये पेड़ था तो इसमें पेड़ पे हम लोग को ऑन रखना पड़ेगा। ठीक है, आपके पास सपोज ये लोगो है, ठीक है, सपोज मेरे पास ये लोगो है, अब मुझे इसका ये जो बैकग्राउंड है ना डिलीट करना है। अब आप सिलेक्ट करके अगर डिलीट करते हो ना, जैसे यहाँ पे कॉन्टिग्यूस ऑन है फिलहाल, अगर मैं डिलीट करता हूँ तो ये डिलीट करेगा, लेकिन ये बीच बीच का भी बच गया, ये ए के अंदर ओ के अंदर सब कुछ सिलेक्ट कर लिया, तो कंटिन्यूस ऑफ किया फिर सिलेक्ट किया देन डिलीट किया, पर सिर्फ लोगो लोगो आ गया। ठीक है, तो आपको वो ध्यान देना पड़ेगा कि कहाँ पे ये ऑन होना चाहिए, कहाँ पे ये ऑफ होना चाहिए। क्लियर है? अब ये इमेज लेके आया हूँ तो मुझे ना एक लोगो यहाँ पे लगाना है, जैसे फोटोग्राफर्स का लोगो होता है ना, वही लोगो मुझे यहाँ पे कहीं लगाना है। तो सबसे पहले तो क्रॉप करना है, यहाँ पे क्रॉप टूल आएगा, इसके बाद क्रॉप टूल में जैसे ये एरिया खाली दिख रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ पे ना क्लिक करके जितना भी एरिया आपको चाहिए ना, आप क्लिक करके ड्रैग करो, सिलेक्शन बनेगा, फिर एंटर प्रेस करो, ये क्रॉप कर देगा, ये पूरी इमेज को इसने उड़ा दिया। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे लोगो लगाना है वही वाला, तो आप क्या करोगे, ये लोगो उठा के वहाँ पे लगा सकते हो, ये लोगो उठाया यहाँ पे लगा दिया। प्रॉब्लम देख रहे हो क्या है, कभी भी लोगो ऐसे नहीं लगा होता है, लोगो लगा होता है स्ट्रेट, लेकिन आपके पास यही है जो भी है, या तो आप इसको फिर से रिक्रिएट करो, यहाँ पे काम कर सकते हो क्रॉप के जस्ट नीचे आता है पर्सपेक्टिव क्रॉप। पर्सपेक्टिव क्रॉप क्या करेगा, जब ऐसे टेबल वगैरह पे चीज़ें रखी है ना, आपके पास बस कॉर्नर कॉर्नर पे क्लिक करना है पर्सपेक्टिव में, और ये ग्रिड बना देगा, और जो भी ग्रिड होगी ना उसके अंदर की चीज़ें फ्रंट में ले आएगा। तो मैंने क्रॉप किया बिल्कुल, इतना चाहिए मुझे, एंटर किया, फिर मैजिक बैंड लिया, कॉन्टिग्यूस ऑफ रखा ताकि इसके अंदर के भी सिलेक्ट हो जाए, ये सब सिलेक्ट किया, डिलीट किया, ये हो गया। देन इसको उठा के मैं यहाँ पे लेके आया, ऐसे ही होता है ना फोटोग्राफर्स का लोगो वगैरह कुछ भी। ठीक है, देन लास्ट चीज़ आती है, मुझे इसका कलर चेंज करना है, ये वाला ग्रीन चाहिए, यही वाला ग्रीन चाहिए। कलर चेंज करने के लिए सबसे पहले मैंने बताया सिलेक्ट पिक्सल करना होगा अगर आपको लेयर पे होते। ठीक है, यहाँ पे आपका लास्ट टूल आता है आई ड्रॉपर टूल, फिकर टूल, क्लिक किया आई ड्रॉपर टूल सिलेक्ट हुआ, कोई भी कलर जो भी चाहिए उस पर क्लिक कर दो जाके, देखो जो कलर चाहिए आपको क्लिक करो, यहाँ पे वो कलर पिक कर लेगा, ऑल्ट एंड बैक स्पेस, ये कलर फिल कर दिया, यहाँ पे आपका वही कलर आ गया। ठीक है, ब्राउन चाहिए लिया, ऑल्ट प्लस बैक स्पेस, सिर्फ ये चाहिए तो नाम को सिलेक्ट करके डिलीट कर दो, ट्रांसफॉर्म बड़ा छोटा भी कर सकते हो आप, समझ रहे हैं? अच्छा, जैसे कई जगह आपने वाटरमार्क देखा होगा, वाटरमार्क में क्या होता है कि आपके पास ऐसे करके बड़ी सी चीज़ होती है और वो होता है, लेकिन वाटरमार्क ऐसा नहीं होता है, पीछे की इमेज भी नहीं होती, तो हमें क्या करना होता है कि इसको ट्रांसपेरेंट करना है। ट्रांसपेरेंट के लिए आप लेयर को सिलेक्ट करो, यहाँ पे ओपेसिटी, ओपेसिटी ओपेसिटी मतलब ट्रांसपेरेंसी, तो आप 100% है, पूरा दिख रहा है, ओपेक है, ट्रांसपेरेंट करने के लिए आप इसको कम कर दो, तो आपका ट्रांसपेरेंसी भी आ जाएगा, इस तरह से वाटरमार्क। समझ में आया? पूरा क्लियर है? फिर असली इतना ही रखते हैं, बहुत हो गया, बहुत हो गया, हाँ बहुत हो गया, तो इतना ही